गुड इवनिंग एवरीवन आज हम क्लास ट्वेल्थ अप्लाइड मैथमेटिक्स की एम एल अग्रवाल बुक में से चैप्टर नंबर सेवन इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सिक्स डिस्कस करेंगे गाइस एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट फोर एंड सेवन पॉइंट फाइव हम पहले ही कम्प्लीट कर चुके हैं जिनका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ में एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सिक्स का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है तो आप टाइम स्टैम्प की हेल्प से इजीली कर सकते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर वन के फर्स्ट पार्ट में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं तो आप इसमें यहाँ पे नोट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे लेट कर लेंगे डेट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री की टोटल वैल्यू इक्वल है ए डिवाइडेड बाय पहला लीनियर फैक्टर एक्स माइनस टू एडिशन बी डिवाइडेड बाय सेकंड लीनियर फैक्टर एक्स माइनस थ्री राइट एंड साइड में एल्शियम लेंगे तो ये एक्स माइनस थ्री इस ए से मल्टीप्लाई होगा सो ए मल्टीप्लाईड बाय एक्स माइनस थ्री एंड ये एक्स माइनस टू इस बी से मल्टीप्लाई होगा सो एडिंग बी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू एंड इनमें डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इसको एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे सेम रहेगा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स माइनस टू मल्टीप्लाईड बाय एक्स माइनस थ्री दोनों के डिनोमिनेटर वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री एडिशन बी मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस में टू अब इसके आगे की कैलकुलेशन ध्यान से देखनी है और आप मुझे ये बताइए अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू थ्री सब्सिट्यूट कर दें तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार x इज़ इक्वल टू थ्री ठीक है ना और यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू टू सब्सिट्यूट कर दें तो हमारे B वाली टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू टू इसी तरह से आपको करना है हमेशा ठीक है तो अगर हम x इक्वल टू थ्री इस पूरी इक्वेशन में सब्सीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी x इक्वल टू थ्री आएगा तो यहाँ पे तो बन जाएगा थ्री माइनस वन इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू थ्री यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे तो पूरी टोटल टर्म जीरो हो जाएगी थ्री माइनस थ्री जीरो होता है जीरो को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो होगा तो रिमेनिंग ये टर्म रह जाएगी तो आप यहाँ पे लिखेंगे b मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू थ्री माइनस टू थ्री में टू माइनस करेंगे नॉर्मल b रहेगा और थ्री में वन माइनस करेंगे तो टू रहेगा यानी कि हम लिख सकते हैं b का वैल्यू टू है और अगर हम x इक्वल टू टू सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर तो आप लिख दोगे ऐसे करके टू माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे टू सो ए मल्टीप्लाईड बाय टू माइनस में थ्री यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी ये रहेगा वन इज इक्वल टू टू में थ्री माइनस करेंगे तो नेगेटिव है नेगेटिव साइन को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो कह सकते हैं भाई ए का वैल्यू रहेगा माइनस वन ए और बी दोनों वैल्यू को हम अपने यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे तो उसके लिए आप ऐसे लिखेंगे सो एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस थ्री की टोटल वैल्यू सबसे पहले ए है तो ए की वैल्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स माइनस टू है देन एडिंग करेंगे वैल्यू ऑफ बी तो बी की वैल्यू टू है सो टू डिवाइडेड बाय और डिनोमिनेटर में रहेगा एक्स माइनस थ्री ठीक है तो जो हमें पहले फैक्टर के टर्म में दे रखे थे उनको हमने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प लेकर के इस तरह से कन्वर्ट कर लिया अब सिंपल आपको इंटीग्रल करना है आंसर आ जाएगा तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड यानी कि जो हमने ऊपर ये वाली स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है इसी को हम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे सो so, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड और फिर हमारा ये वैल्यू इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे भी ऐसे करके इंटीग्रेशन सिंबल और यहाँ पे ऐसे डी एक्स और इक्वल टू में यहाँ पर भी इंटीग्रेशन सिंबल माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस टू यहाँ पे ऐसे डी एक्स देन एडिंग इंटीग्रेशन सिंबल टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे ऐसे करके डी एक्स माइनस वन को माइनस वन ऐसे लिख दो और देन एडिंग साइन ये टू तो सेम रहेगा मल्टीप्लाई इसको भी लोग एरिदम में कन्वर्ट करेंगे सो लोगरिदम अंडर मोड एक्स माइनस थ्री लिख देंगे सो एक्स माइनस थ्री और एडिंग करेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ठीक है माइनस वन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म रहेगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव टर्म रहेगी तो इसको पहले लिख देते हैं ये बन जाएगा यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाय लॉग यानी कि टू लॉग अंडर मोड एक्स माइनस थ्री देन ये नेगेटिव टर्म सो माइनस लॉग अंडर मोड एक्स माइनस टू और एडिंग कर देंगे इसमें सी सो दिस इज अवर टोटल आंसर देखेगा इस क्वेश्चन नंबर वन के सेकेंड पार्ट में सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर के ना फैक्टर बनाने पड़ेंगे तो दिया हुआ है एक्स की पावर टू प्लस में थ्री एक्स माइनस में एटीन इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर एक्स की पावर टू एटीन के फैक्टर बनाने हैं तो इसके फैक्टर बनेंगे सिक्स और थ्री माइनस करने पे टोटल थ्री रहेगा ना तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में सिक्स एक्स माइनस में थ्री एक्स माइनस में एटीन इन टू पार्ट्स में से कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन विद इन ब्रैकेट x प्लस सिक्स इनमें माइनस थ्री कॉमन लेंगे विद इन ब्रैकेट x प्लस सिक्स फिर ये एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स फर्स्ट वाला ब्रैकेट रहेगा और ये x माइनस थ्री हमारा सेकेंड ब्रैकेट रहेगा तो हम डायरेक्ट इसके फैक्टर को इस तरह में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो इसके सॉल्यूशन में आप यहाँ पे लिखेंगे एज्यूम करेंगे लेट ठीक है यहाँ पे ऐसे लिख देंगे थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई ये जो हमने डिनोमिनेटर दिया हुआ था इसके फैक्टर इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो फैक्टर हैं हमारे पास x प्लस में सिक्स और x माइनस में थ्री और दिस टोटल वैल्यू इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस में सिक्स देन एडिंग b डिवाइडेड बाय x माइनस में थ्री अब जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम टू सेम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइट एंड साइड में एल्शियम लेंगे तो ये एक्स माइनस थ्री यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस थ्री देन एडिंग साइन ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी सो बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में सिक्स डिनोमिनेटर वैल्यू को सेम ही रखेंगे यानी कि एक्स प्लस में सिक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री और यहाँ पर सेम रहेगा ये थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स प्लस सिक्स और यहाँ पर ऐसे एक्स माइनस थ्री ठीक है जी डिनोमिनेटर वैल्यू दोनों तरफ कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा थ्री एक्स प्लस में फाइव इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस थ्री देन एडिंग बी मल्टीप्लाय बाय एक्स प्लस में सिक्स अब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में इधर यहाँ पर एक जगह पे थ्री और एक जगह पे टू सब्सिट्यूट करा सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे तो इधर वाली जगह पर जीरो करने के लिए वैल्यू थ्री पुट कर देंगे तो हम पेन कलर चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे एक जगह पर एक्स इक्वल टू थ्री ठीक है ना यहाँ पे थ्री पुट करेंगे और अगर हमें इसको जीरो करना है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव सिक्स रहेगी तो यहाँ पे ऐसे करके एक्स इक्वल टू नेगेटिव सिक्स ठीक है ना यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर थ्री पुट करना है तो थ्री इन थ्री विल बी नाइन और नाइन प्लस फाइव विल बी फोरटीन तो यहाँ पे आएगा फोर्टीन इज इक्वल टू ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी यहाँ पे थ्री पुट करेंगे सो बी के साथ में थ्री प्लस सिक्स करेंगे टोटल नाइन हो जाएगा यानी कि कह सकते हैं बी वैल्यू रहेगी फोर्टीन डिवाइडेड बाय नाइन ठीक है इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में फटाफट फटाफट करना है देन नेगेटिव सिक्स पुट करेंगे तो थ्री इंटू सिक्स नेगेटिव सिक्स करेंगे तो माइनस एटीन हो जाएगा इसमें एडिंग फाइव करेंगे तो टोटल वैल्यू माइनस थर्टीन हो जाएगी ठीक है ना तो यहाँ पे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा माइनस थर्टीन इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस सिक्स पुट करेंगे तो माइनस सिक्स और माइनस थ्री टोटल माइनस नाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे रहेगा माइनस नाइन सात में रहेगा ऐसे ए और ये वाली पूरी की पूरी टर्म हमारी जीरो हो जाएगी तो उसको नोट करने की नीड नहीं है नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल तो कह सकते हैं वैल्यू ऑफ ए विल बी थर्टीन डिवाइडेड बाय नाइन नाउ हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके सो so, ठीक है वैल्यू है हमारे पास थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय ये फैक्टर नोट करेंगे तो x प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए थर्टीन बाय नाइन है तो ऐसे करके थर्टीन बाय नाइन डिवाइडेड बाय इसके यहाँ पर ही x प्लस सिक्स आ जाएगा देन एडिंग साइन वैल्यू ऑफ b है फोर्टीन बाय नाइन तो ऐसे करके फोर्टीन बाय नाइन डिवाइडेड बाय और ये वाली टर्म लिख देंगे यहाँ पे x माइनस थ्री ठीक है ना फिर यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड और इस पूरी स्टेटमेंट को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे रहेगा ऐसे इंटीग्रल सिंबल और फिर ऐसे थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय यहाँ पर ऐसे थ्री एक्स प्लस सिक्स और यहाँ पे थ्री एक्स माइनस थ्री यहाँ पे ऐसे डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल थर्टीन डिवाइडेड बाय नाइन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस में सिक्स और ऐसे करके डी एक्स देन एडिंग इंटीग्रेशन सिंबल फोटीन डिवाइडेड बाय नाइन और इसमें यहाँ पे एक्स माइनस थ्री और ऐसे करके यहाँ पे डी एक्स ठीक है ना अब थर्टीन बाई नाइन तो भाई एकदम सेम टू सेम रहेगा लोगरिदम का इंटीग्रेशन हो जाएगा सो लोगरिदम अंडर मोड एक्स प्लस सिक्स रहेगा देन यहाँ पे एडिंग साइन ये फोर्टीन बाई नाइन आएगा ठीक है मल्टीप्लाइड बाय लोगरिदम और ये एक्स माइनस थ्री यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और इसमें एडिंग कर देंगे कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी ठीक है ना गज बस यही आपका आंसर आ गया ठीक है ना वन लाइनर आंसर है बस आपको थोड़ा सा इसमें कन्वर्ट करने में यह सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा वैसे तो ये क्वेश्चन ईजी होते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट सिमिलर है क्वेश्चन नंबर वन के सेकेंड पार्ट से जैसे हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए थे सिमिलर वे में हम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएंगे तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर नोट करेंगे एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टू टू के फैक्टर चाहिए माइनस करने पर बनाए तो वो टू और वन ही रहेंगे आप लिख दोगे एक्स की पावर टू माइनस में टू एक्स प्लस में एक्स माइनस टू इनमें से कॉमन ले लेंगे तो एक्स कॉमन विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू देन इनमें से कॉमन ले लेंगे प्लस वन विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट रहेगा सेकेंड ब्रैकेट में एक्स प्लस वन रहेगा तो अब आप इसकी जगह पे ये नोट करोगे तो यहाँ पेज्यूम कर लोगे यानी कि लैट करोगे ठीक है टू एक्स प्लस में सेवन डिवाइडेड बाय अब डिनोमिनेटर वैल्यू की जगह पे ये नोट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे रहेगा x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन इक्वल टू सबसे पहले a डिवाइडेड बाई x माइनस टू देन एडिंग b डिड बाई x प्लस वन राइट एंड साइड में एलसियम ले लेंगे ये x प्लस वन ए से मल्टीप्लाई होगा सो so a मल्टीप्लाईड बाई x प्लस वन एडिंग साइन x माइनस टू बी से मल्टीप्लाई होगा सो so b मल्टीप्लाई बाय x माइनस टू डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन और यहाँ पे इसको रिपीट कर देंगे टू एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन दोनों डिनोमिनेटर वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी तो रिमेनिंग रहेगी टू एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाईड बाई एक्स प्लस वन देन एडिंग बी मल्टीप्लाईड बाय एक्स माइनस टू ठीक है अब यहाँ पे ऐसे हमने इनको टू पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पे एक बार लिखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस वन करेंगे तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू इसको जीरो करने के लिए टू तो एक बार माइनस वन और एक बार टू हम सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे भाई अगर माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा माइनस वन इंटू टू माइनस टू माइनस टू प्लस सेवन करेंगे टोटल फाइव तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे फाइव इज इक्वल टू यह वाली टर्म जीरो हो गई यहाँ पर माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन माइनस टू टोटल A विल बी -5 थ्री। देखो जरा यहां तक कोई डाउट है आपको वैल्यू ऑफ ए इज माइनस फाइव बाई थ्री इसी तरह यहाँ पे टू सब्सिट्यूट करेंगे तो टू इंटू टू विल बी फोर फोर में सेवन प्लस करेंगे टोटल इज इलेवन तो यहाँ पे ऐसे इलेवन इज इक्वल टू ठीक है इसमें हम यहाँ पे टू पुट करेंगे तो ए के साथ में सॉरी हाँ सही है यहाँ पर ए ही रहेगा सो ए के साथ में यहाँ पे टू पुट करेंगे टोटल वैल्यू थ्री हो जाएगी और ये वाली टोटल वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो उसको नोट नहीं करेंगे यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई यहाँ पर ये यह ए नहीं आएगा ये बी आएगा ये जो हमने माइनस फाइव बाई थ्री कैलकुलेट करा है ये बी का वैल्यू है तो ऐसे यहाँ पर बी और यहाँ पर भी बी और यहाँ पर ये ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा सो वैल्यू ऑफ ए इज़ टोटल थ्री डिवाइडेड बाई इलेवन ठीक है ए और बी दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे सो so यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले सो और फिर यहाँ पे सबसे पहले आएगा ऐसे करके टू एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू ए का वैल्यू थ्री बाई इलेवन है तो ऐसे थ्री बाई इलेवन डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स माइनस ऐसे करके नेगेटिव फाइव बाई थ्री ठीक है ऐसे करके एक्स प्लस वन अभी लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड तो यहाँ पर ऐसे करके इंटीग्रेशन सिंबल और इधर ऐसे करके टू एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन और यहाँ पे ऐसे डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल ये थ्री डिवाइडेड बाय इलेवन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू और यहाँ पे ऐसे डीएक्स प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल माइनस इंटीग्रेशन सिंबल फाइव बाई थ्री सॉरी माइनस नहीं माइनस तो हमने आगे कर लिया तो यहाँ से माइनस नहीं आएगा सिंपल टर्म रहेगी है ना तो फाइव बाई थ्री और डिनोमिनेटर में ऐसे करके एक्स प्लस वन और यहाँ पे ऐसे डीएक्स ठीक है फिर यहाँ पर ये थ्री डिवाइडेड बाय इलेवन बेस पर आएगा ऐसे आगे मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस टू का इंटीग्रल करेंगे तो लोग में सोल्व होगा तो लोग अंडर मोड x माइनस टू देन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री यहाँ पर भी सेम लो अंडर मोड ऐसे x plus 1, और कर देंगे कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c सो दिस इज अवर फाइनल आंसर गाइस क्वेश्चन नंबर टू के सेकेंड पार्ट में आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है यस नो ठीक है ना यहाँ पे डिग्री क्या है भाई डिग्री सेम है जो हाईएस्ट पावर है वो ऊपर भी टू है डिनोमिनेटर में भी टू है तो जब भी डिग्री सेम होगा या फिर न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर होगा तो हम उसमें उसको डिवाइड करेंगे पहले तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एक्स की पावर टू माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स और इस तरह से डिवीज़न और न्यूमरेटर आएगा एक्स की पावर टू प्लस वन एक्स की पावर टू और एक्स की पावर टू ऑलरेडी सेम है दोनों को डिवाइड करोगे आप एक्स की पावर टू एक्स की पावर टू टोटल वैल्यू बन रहेगी तो यहाँ पे वन नोट करेंगे और वन से अगर हम इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी यानी कि एक्स की पावर टू और फिर यहाँ पे ऐसे माइनस फाइव एक्स और यहाँ पे ऐसे प्लस सिक्स ठीक है हमने प्लस वन के आगे कांस्टेंट नोट कर दिया और वेरिएबल वाली टर्म पीछे क ले गए तो साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस और ये प्लस ये टर्म कैंसिल हो गई यहाँ पर ठीक है अब ये वाले साइन कंसिडर करेंगे तो टोटल फाइव रहेगा उसको आगे नोट करेंगे वेरिएबल आगे रहेगा तो फाइव आ गया और वो है प्लस वन और ये वाला नीचे वाला सिंबल माइनस है, है तो माइनस सिक्स प्लस वन माइनस सिक्स माइनस फाइव तो यहाँ पे ऐसे करके माइनस फाइव यानी कि जो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस में फाइव एक्स प्लस में सिक्स इसको आप पहले ऐसे लिखोगे इसका क्वेश्चन वन है तो यहाँ पर ऐसे वन फिर इसमें एडिंग करेंगे रिमाइंडर रिमाइंडर है यहाँ पर फाइव एक्स माइनस में फाइव डिवाइडेड बाई और फिर ये इसका डिवाइजर जो था हमारे पास एक्स की पावर टू माइनस में फाइव एक्स प्लस में सिक्स तो जो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया था पहले आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके नोट करोगे ठीक है सो गाइज यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे कि इसका जो टोटल इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू आई है सो आई फॉर इंटीग्रेशन सो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यह आपको दिया हुआ था ऐसे करके एक्स की पावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर टू माइनस में फाइव एक्स प्लस में सिक्स और यहाँ पे ऐसे डी एक्स फिर जो अभी हमने डिवीजन लिखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे आई इज इक्वल टू ये सिंबल सेम रहेगा यहाँ पे रहेगा ये वन प्लस में रिमाइंडर विल बी फाइव एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय अब हम इसके फैक्टर बना देंगे ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस में फाइव एक्स प्लस में सिक्स जो है इसके फैक्टर बनाएंगे तो सिक्स के फैक्टर बन जाएंगे टू और थ्री टू और थ्री को ऐड करने पे फाइव आ जाएगा तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस में सिक्स इनमें से कॉमन ले लेंगे एक्स विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू इनमें से कॉमन ले लेंगे माइनस थ्री विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस टू और सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे भाई ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा ऐसे करके एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे ऐसे करके डी एक्स फिर इसके यहाँ पर हम लिखेंगे I इज इक्वल टू इस वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा ठीक है फिर इसमें एडिंग करेंगे और ये वाली जो पूरी टर्म है ठीक है यह वाली जो पूरी टर्म है इसको एज्यूम कर लेंगे ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी I वन है एंड इसको एज्यूम कर लेंगे ये है इक्वेशन नंबर वन ठीक है अब हम आई वन का इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद फिर इक्वेशन नंबर वन में टोटल वैल्यू पुट हो जाएगी तो आई वन का इंटीग्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर ठीक है पूरा बढ़िया से लिखना पड़ता है एग्जाम में कंसीडर हमने माना है जो आई वन है वो इक्वल है इंटीग्रल ऑफ फाइव एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे ऐसे करके डी एक्स ठीक है अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे लेट

ये एक्स माइनस टू आएगा यहाँ पर तो इधर एक्स माइनस टू और इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे एक्स माइनस टू इन टू में एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे सेम रहेगा ये फाइव एक्स माइनस में फाइव डिवाइडेड बाय ऐसे करके एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री ठीक है ना अब ये डिनोमिनेटर वैल्यू को कैंसिल करने पर रिमेनिंग रह जाएगा फ़ाइव एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस थ्री एडिंग बी मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू ठीक है यहाँ पे इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स अगर हम इसको जीरो करेंगे तो थ्री रहेगा है ना भाई और अगर इसको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू टू रहेगा तो एक बार टू एक बार थ्री वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे भाई अगर थ्री पुट करेंगे फाइव इन थ्री विल बी फिफ्टीन माइनस फाइव करेंगे टोटल टेन सो टेन इज़ इक्वल टू यहाँ पे थ्री पुट करेंगे जीरो हो जाएगा यहाँ पे थ्री पुट करेंगे थ्री माइनस टू विल बी वन और वन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी यहाँ से लिख देते हैं बी मल्टीप्लाई वन और फिर आप इसको ऐसे लिख दोगे बी इज़ इक्वल टू में टेन ठीक है ना और फिर अगर टू पुट करोगे तो फाइव इंटू टू विल बी टेन टेन में फाइव माइनस करेंगे टोटल वैल्यू फाइव सो फाइव इज इक्वल टू यहाँ पे छोटा सा ऐसे एरो एंड फाइव इज इक्वल टू यहाँ पे अगर आप टू पुट करोगे तो ए के ब्रैकेट में टोटल माइनस वन और ये वाली टोटल वैल्यू जीरो माइनस वन को शिफ्ट करोगे तो वैल्यू ऑफ ए विल बी नेगेटिव फाइव ठीक है तो ए की वैल्यू माइनस फाइव और बी की वैल्यू टेन को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे सो so, देखिए गाइज यहाँ पे हमने ए और बी का वैल्यू पुट कर दिया है अब यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड और फिर हम यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे एरोसाइन देन इंटीग्रल सिम्बल यहाँ पे ऐसे करके फाइव एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे ऐसे डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल सिंबल माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू यहाँ पे ऐसे डी एक्स देन एडिंग साइन इंटीग्रल सिंबल टेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे ऐसे डी एक्स ठीक है ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है ये पूरा का पूरा आई वन हो जाएगा सो आई वन इज इक्वल टू में इसका इंटीग्रल करोगे तो माइनस फाइव के साथ में लो और अंडर मोड एक्स माइनस टू देन एडिंग यहाँ पर टेन टेन के साथ में लोगैरिदम अंडर मोड ये वाला एक्स माइनस थ्री और एडिंग कर देंगे यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ठीक है ये वाला जो आई वन का वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर वन में सब्सिट्यूट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे भाई पुट द वैल्यू ठीक है ना जो वैल्यू हमने फाइंड करी है आई वन की सो पुट द वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन में आई वन का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू ठीक है ना इक्वेशन नंबर वन ये है तो यहाँ पर ये एक्स तो आएगा ही सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे एक्स आ गया ठीक है और फिर इसके बाद आई वन का वैल्यू आएगा तो यहाँ पे ऐसे करके एडिंग साइन और विद इन ब्रैकेट आई वन का ये पूरा कंप्लीट वैल्यू नोट कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा ये माइनस फाइव लॉग अंडर मोड सबसे पहले एक्स माइनस टू देन एडिंग सिंबल और फिर है हमारे पास टेन लॉग और फिर अंडर मोड एक्स माइनस थ्री ये क्लोज करा और यहाँ पे ऐसे करके कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी ठीक है इसको थोड़ा और बढ़िया तरीके से नोट करेंगे तो यहाँ पे x रहेगा ये पॉजिटिव वैल्यू को पहले नोट कर लेंगे तो x में एडिशन हो जाएगा यहाँ पे टेन टेन के साथ में लॉग और अंडर मोड रहेगा एक्स माइनस थ्री और फिर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो माइनस फाइव फिर यहाँ पे लॉग एरिदम अंडर मोड एक्स माइनस टू और कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी सेम सो ये आपके इस क्वेश्चन का टोटल एंड फाइनल आंसर है देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर थ्री के फर्स्ट पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा न्यूमिनेटर है इसकी डिग्री यहाँ पे थ्री है और डिनोमिनेटर में टोटल डिग्री टू है तो न्यूमरेटर का डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर डिग्री से ग्रेटर है तो हमें सबसे पहले इसमें डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो हम यहाँ पे इस तरफ को मतलब आप अपने एग्जाम में ठीक है रफ़ शीट आपको मिलेगा तो रफ़ शीट पे इस तरह से रफ वर्क बना करके वहाँ पे आप डिवाइड करना तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स की पावर टू माइनस वन एंड डिवाइजर हम बनाएंगे न्यूमरेटर को जो हमें दिया हुआ है एक्स की पावर थ्री एडिशन इसमें एक्स एडिशन इसमें वन ठीक है एक्स की पावर टू को एक्स की पावर थ्री बनाने के लिए आप यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स की पावर थ्री एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ एक्स साइन चेंज करेंगे प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया एक्स और एक्स को ऐड करेंगे तो टोटल टू एक्स इसमें ऐड कर देंगे वन इससे आगे हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते तो हम ऐसे लिखेंगे इसको पहले तो मान लेते हैं ये आई है सो आई इज इक्वल टू सबसे पहले ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन और आएगा हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पे ये है एक्स जो है वो क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन एक्स देन इसमें एडिंग करेंगे रिमाइंडर ये टू एक्स प्लस वन हमारा रिमाइंडर है तो ऐसे करके लिख देंगे इसको टू एक्स प्लस वन और इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से जो है एक्स की पावर टू माइनस वन और यहाँ पे ऐसे करके डी एक्स ठीक है इस तरह से सबसे पहले हमें इसके में डिवाइड करना था अब सेकेंड स्टेप पर हम यहाँ पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू एक्स का आंसर तो आपको पता है उसको नोट कर दो एक्स की पावर टू डिवाइड बाई टू और साथ में इंटीग्रेशन सिंबल को आगे शिफ्ट कर दो तो इंटीग्रेशन सिंबल इट इज़ टू एक्स प्लस वन डिवीजन में इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ओपन करोगे तो ये बन जाएगा ऐसे करके एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन और यहाँ पे ऐसे करके डी एक्स अब हम यहाँ पे इसको ले लेंगे ये आई वन है ठीक है दिस इज आई वन और यहाँ पे लिख देंगे आई इज इक्वल टू इसको रिपीट कर दो एक्स की पावर टू डिवाइड बाई टू यहाँ पे एडिंग और ये ले लो इक्वेशन नंबर वन ठीक है अभी हमने क्वेश्चन नंबर टू में भी इसी तरीके से किया था सो इसको भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे आई वन को अलग सोल्व करेंगे और यहाँ पे फिर वैल्यू पुट कर देंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे अब आई वन या फिर ऐसे लिख लोगे कंसीडर ठीक है ना क्योंकि यार एग्जाम में लिखने के बहुत नंबर होते हैं और अच्छे से लिखोगे तो अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे सो कंसीडर आई वन और आई वन का वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ टू एक्स एडिशन वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे है ऐसे x प्लस वन और फिर है x माइनस वन और यहाँ पे ऐसे करके dx अब इसमें हमको दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे लेट जो टू एक्स प्लस वन है अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए x प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन से तो ये इक्वल होगा कैपिटल ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन के एडिशन कैपिटल बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन के अब नेक्स्ट पेज पर गाइस हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये ए मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वन से और ये बी मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन से देखो गाइस यहाँ पे हमने नोट कर दिया है एंड इस पूरे के डिनोमिनेटर में वैल्यू हम सेम रखेंगे यानी कि ऐसे करके एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन है ना एलसीएम ले लिया हमने बेसिकली दोनों तरफ का डिनोमिनेटर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा टू एक्स एडिशन वन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन एडिशन बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में वन अब इसके बाद गाइस इस वैल्यू को जीरो करने के लिए हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एंड सेकेंड कॉलम में इसको जीरो करने के लिए हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन सब्सिट्यूट करेंगे ठीक है ना एक बार वन सब्सिट्यूट करेंगे और एक बार माइनस वन सब्सिट्यूट करेंगे तो अगर आप वन सब्सिट्यूट करोगे टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे टू रहेगा और उसमें वन ऐड करोगे टोटल थ्री हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हमने वन सब्सिट्यूट करा है तो ये वाला वैल्यू ज़ीरो हो गया और यहाँ पर वन सब्सिट्यूट करा तो बी तो रहेगा और वन में वन प्लस करेंगे टू हो जाएगा यानी कि जो हमारे बी का वैल्यू है यह थ्री डिवाइडेड बाई टू आ गया कितना सिंपल हो गया जस्ट हमने वन सब्सिट्यूट करा और बी का वैल्यू आ गया थ्री बाई टू इसके बाद माइनस वन सब्सिट्यूट करेंगे टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू हो जाएगा माइनस टू में प्लस वन करेंगे माइनस वन इसके इक्वल टू में माइनस वन और माइनस वन टोटल माइनस टू रहेगा इसके साथ में ए और यहाँ पे ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो हमारे ए का वैल्यू बनेगा पॉजिटिव वन बाई टू यह भी कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया ठीक है ए वैल्यू वन बाई टू फिर हम इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे आप लोग इसी के नीचे कंटिन्यूशन में लिखना ठीक है बेसिकली ए और बी का वैल्यू पुट करके लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो so, जो टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन है इसके इक्वल टू में जो ए का वैल्यू है सो वन बाई टू डिड बाई एक्स प्लस वन है ठीक so है देन इसमें एडिंग साइन वैल्यू जो कि है और इसके डिनोमिनेटर में ऐसे करके एक्स माइनस वन ठीक है ये हमने इस तरह से लिख दिया और फिर हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड इसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे आ जाएगा ये टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई ऐसे करके एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन यहाँ पे ऐसे डी एक्सलू को आगे ऐसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन सिंबल वन प्लस वन, यहाँ पे एकस, फिर इसमें एडिंग थ्री बाई टू को भी ऐसे कर लेंगे इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन और यहाँ पे ऐसे डी एक्स ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है पूरा हमारा बन जाएगा आई वन ठीक है सो आई वन इक्वल टू वन बाय टू सेम रहेगा इसके साथ में लोगैरिदम अंडर मोड एक्स प्लस वन फिर इसमें एडिंग करेंगे थ्री डिवाइड बाई टू ठीक है फिर यहाँ पे ऐसे लोग अंडर मोड एक्स माइनस वन और एडिंग कर देंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सिट्यूट करना है तो पुट वैल्यू ऑफ आई वन जो हमने आई वन का वैल्यू कैलकुलेट किया है उसको हम सब्सिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में सो वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन में लिखेंगे आई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर वन देखो ये रह, तो आई इज इक्वल टू ये टू तो ऐसे करके यहाँ पे X square by two, फिर इसके बाद में आई वन का वैल्यू जो हमने देखा अंडर मोड एक्स प्लस वन देन एडिशन थ्री डिवाइड बाई टू लोगरिदम अंडर मोड एक्स माइनस वन एडिंग इसमें सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट में भी आप देख सकते हो जो न्यूमरेटर का डिग्री है और डिनोमिनेटर का डिग्री है ये तो सेम है तो इसको भी हमें सबसे पहले डिवाइड ही करना होगा तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे देखो ध्यान से डिनोमिनेटर है हमारे पास एक्स की पावर थ्री माइनस ऑफ एक्स एंड इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके न्यूमरेटर जो है एक्स की पावर थ्री प्लस में वन ठीक है एक्स की पावर थ्री एक्स की पावर थ्री सेम है यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा वन ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर थ्री वन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स साइन चेंज करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कैंसिल हो गया सबसे पहले वेरिएबल नोट करेंगे तो ये वाला प्लस वाला वेरिएबल आएगा यहाँ पे एक्स और ऊपर से इसको नोट कर देंगे यहाँ पे ऐसे करके प्लस वन तो ये हमारा रिमाइंडर है ठीक है तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे आई इज इक्वल टू आई फॉर इंटीग्रेशन सो आई फॉर इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल सबसे पहले क्वेश्चन जो कि हमने फाइंड किया वन है देन इसमें एडिंग करना है रिमाइंडर जो कि है x प्लस वन एंड डिनोमिनेटर में ये वाली पूरा x की पावर थ्री माइनस एक्स तो ऐसे करके x की पावर थ्री माइनस एक्स और यहाँ पे ऐसे करके dx अब सेकंड स्टेप में आप वन का इंटीग्रेशन कर दो जो कि x हो जाएगा देन एडिंग इंटीग्रेशन सिंबल ये रहेगा ऐसे x प्लस वन डिनोमिनेटर में इनमें से आप x कॉमन ले लो तो x कॉमन ले लिया विद इन ब्रैकेट x की पावर टू माइनस वन आ गया और यहाँ पे ऐसे dx आ गया एक्स की पावर टू माइनस वन में भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऐसे आई इज इक्वल टू एक्स इसमें एडिशन इंटीग्रेशन सिंबल इट इज एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन और यहाँ पे ऐसे डी एक्स ये एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन कैंसिल तो यहाँ पे आया आई इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स एडिशन इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन और यहाँ पे ऐसे डी एक्स अब हम इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको आई वन मान करके अलग से पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो ऊपर हमारे पास वैल्यू वन है राइट न्यूमरेटर का जो टोटल वैल्यू है वो वन है तो आप ज़रा ध्यान से देखो अगर मैं एक्स में माइनस करूँगा एक्स माइनस वन ठीक है एक्स में अगर हम माइनस कर देंगे एक्स माइनस वन तो ये इस तरह से बनेगा एक्स माइनस ऑफ एक्स एडिशन वन ये वाला माइनस यहाँ पे गया माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे गया प्लस तो ये माइनस और माइनस ये वाले दोनों एक्स कैंसिल हो गए वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग रह गया ओनली वन और वही हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर है तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे ठीक है स्मॉल ये वाले एक्स में से माइनस कर देंगे ऐसे एक्स माइनस वन मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ इसको आई इज़ इक्वल टू एक्स एडिशन ठीक है एक्स एडिशन इंटीग्रेशन सिंबल जो वन है उसको हमने ऐसे लिखा एक्स माइनस विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन और डिनोमिनेटर में सेम लिख देंगे एक्स मल्टीप्लाय बाय एक्स माइनस वन और यहाँ पे ऐसे करके डी एक्स मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ठीक है या आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो सो दिस कैन बी डन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ऑल्सो सो डैट जब हम आपको इसका पी डी एफ देंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा और आपको ध्यान रहेगा कि आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे I इज़ इक्वल टू सबसे पहले का वैल्यू आया था x इसमें एडिंग है और अपने को इसे सेपरेट करना है तो इस x को अलग कर देंगे तो ऐसे आएगा इंटीग्रेशन सिंबल x डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई बाई माइनस वन फिर इसमें आगे देखो हमने क्या करा था ये वाला सब साइन है तो ये माइनस साइन लगा दिया हमने और फिर ये वाला नोट कर देंगे वल ब्रैकेट ठीक है ना एक्स माइनस वन तो ऐसे करके यहाँ पे एक्स माइनस वन इसके डिनोमिनेटर में एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन और ऐसे करके यहाँ पे डी एक्स अब आप ध्यान से देखो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं तो एक्स को x से कैंसिल कर दो x माइनस वन को यहाँ पे कैंसिल कर दो जो रिमेनिंग है नोट करो सो आई इज इक्वल टू एक्स एडिशन इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन देन माइनस वन डिवाइड बाई एक्स यहाँ पे ऐसे डी एक्स सो ये वाला क्वेश्चन हमने थोड़ा सा इजी कर लिया है ना पार्शियल फ्रैक्शन में करते तो पहले ए कैलकुलेट करते बी कैलकुलेट करते बट इस तरह से करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू एक्स तो सेम रहेगा एडिंग इसका आंसर बन जाएगा लोगेरिदम अंडर मोड x माइनस वन देन माइनस इसका भी आंसर होगा लोगेरिदम अंडर मोड एक्स ठीक है और एडिंग इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन दोनों लोगरिदम का कोफिशियंट सेम है ठीक है यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं कोफिशेंट इज सेम तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि आप इनमें लोगरिदम का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और ये वाला प्रॉपर्टी लिखेंगे लोग एम माइनस लोग एन ठीक है ना माइनस के केस में फ्रैक्शन में चला जाता है सो लोग एम डिवाइडेड बाई एन तो यहाँ पे लिख देंगे i is equal to x तो रहेगा then इसमें adding, logarithm, under mode, पहले इसको इसको कर कर देंगे देंगे ऐसे x -1, फिर note देंगे, denominator x फिर को close करा और इसमें c सो so ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर देखिए इस क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है ठीक है डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे डिनोमिनेटर में जो तीनों फैक्टर हमें दे रखे हैं लीनियर फैक्टर है तो फटाफट से हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कंसीडर डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है अपने को ठीक है तो ऐसे लिखेंगे कंसीडर एक्स डिवाइडेड बाय सबसे पहले है एक्स माइनस वन इसके बाद एक्स माइनस टू और फिर है एक्स माइनस थ्री तो ये कंप्लीट वैल्यू इक्वल है कैपिटल ए डिवाइड बाय एक्स माइनस वन एडिंग इसमें कैपिटल बी डिवाइड बाय एक्स माइनस टू फिर से एडिंग इसमें सी अपॉन में एक्स माइनस थ्री ठीक है राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में रहेगा हमारे पास एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री ये एक्स माइनस वन इस एक्स माइनस वन को कैंसिल करेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा सो ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री फिर ये बी यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू कैंसिल ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा यानी कि यहाँ पे ऐसे आ जाएगा एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री और फिर इसमें एडिंग करेंगे यहाँ पे सी ये एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री कैंसिल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे x माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू ठीक है यहाँ पे सेम रिपीट कर देंगे x डिवाइड बाय सबसे पहले x माइनस वन फिर इसके बाद x माइनस टू और फिर इसके बाद x माइनस थ्री दोनों साइड्स का डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे रहेगा x इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाईड बाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री एडिंग इसमें b मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री फिर से एडिंग इसमें c यहाँ पे x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू ठीक है बारी बारी करके एक बार हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे x वैल्यू वन फिर हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे x वैल्यू टू और फिर हम यहाँ पे सब्सीट्यूट कर देंगे x वैल्यू थ्री ठीक है ना अगर वन सब्सिट्यूट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा टू सब्सिट्यूट करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा थ्री सब्सिट्यूट करेंगे ये जीरो हो जाएगा तो हमने ये तीन वैल्यू सब्सीट्यूट करनी है और इसके बाद यहाँ पर नोट करना है भाई एक्स की वैल्यू वन आ गई वन इक्वल टू अगर हमने एक्स वैल्यू वन पुट करा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रहेगा ए मल्टीप्लाई वन में टू माइनस करेंगे माइनस वन आ गया वन में थ्री माइनस करेंगे तो माइनस टू आ गया माइनस माइनस कैंसिल सो टू ए का टोटल वैल्यू वन आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ए का आंसर है हमारा वन डिवाइड बाई टू इसी तरह जब एक्स को टू पुट करेंगे तो यहाँ पे तो ऐसे लिख देंगे टू इज़ इक्वल टू ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये वाला वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा सिर्फ ये रिमेनिंग रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे बी मल्टीप्लाई बाई टू में वन माइनस करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा ब्रैकेट में ऐसे और टू में थ्री माइनस करेंगे तो माइनस वन यानी कि कह सकते हैं कि जो माइनस बी का वैल्यू है वो टू है या फिर बी का जो वैल्यू है वो माइनस टू है तो ये हमने यहाँ पे बी कैलकुलेट कर लिया इसी तरह जब एक्स की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री इज इक्वल टू थ्री सब्सिट्यूट करना है तो ये वाला वैल्यू ज़ीरो ये वाला वैल्यू ज़ीरो ये रिमेनिंग रहेगा तो सी मल्टीप्लाई बाय थ्री में वन माइनस करेंगे टू आ गया और थ्री में टू माइनस करेंगे वन आ गया यह हमारा आंसर बन गया कि टू सी जो है वो थ्री के इक्वल है यानी कि सी जो है वो थ्री डिवाइड बाई टू है ठीक है ना जो वैल्यू ऑफ सी है वो हमारा थ्री बाई टू है इसके बाद गैस यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम सो so, हमने डिटरमाइन करा एक्स डिवाइडेड बाय सबसे पहले एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री ये टोटल वैल्यू जो है इक्वल टू ए वैल्यू देखो यहाँ पे वन बाई टू है तो ए वैल्यू ऐसे वन बाई टू और इसके डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन ठीक है फिर बी वैल्यू देखो यहाँ पे नेगेटिव टू है तो इसमें यहाँ पे ऐसे करो एडिंग और यहाँ पे लिखो माइनस टू डिवाइडेड बाय यहाँ पे ऐसे करके एक्स माइनस टू और फिर देखो यहाँ पे सी थ्री बाई टू है तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसमें एडिंग यहाँ पे ऐसे करके थ्री बाई टू और इसके डिनोमिनेटर में ऐसे करके एक्स माइनस थ्री ठीक है अब यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड और इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे करके इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे x डिवाइडेड बाय यहाँ पे ऐसे x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे ऐसे dx एक्स इक्वल टू वन बाई टू को ऐसे लिख देंगे इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन यहाँ पे ऐसे dx एक्स देन माइनस टू ठीक है प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करा माइनस टू इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू यहाँ पे ऐसे डी एक्स फिर यहाँ पे एडिंग साइन ऐसे करके थ्री बाई टू इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे ऐसे डी एक्स ठीक है यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये वन बाई टू इसके साथ में logarithm अंडर मोड एक्स माइनस वन फिर इसको लिख देंगे माइनस टू मल्टीप्लाई logarithm अंडर मोड एक्स माइनस टू और फिर यहाँ पे ऐसे थ्री डिवाइड बाई टू ठीक है हाँ मल्टीप्लाई so तो यहाँ पर ऐसे लोगेरिदम अंडर मोड एक्स माइनस थ्री और इसमें एडिंग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखेगा इस क्वेश्चन नंबर फोर के सेकेंड पार्ट में भी हम डायरेक्ट पार्शल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कंसीडर ठीक है डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हैं सो जल्दी से स्टार्ट कर देंगे कंसीडर थ्री एक्स माइनस वन डिनोमिनेटर वैल्यू है हमारे पास x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री ये टोटल इक्वल है कैपिटल ए डिवाइड बाय एक्स माइनस वन एडिंग इसमें कैपिटल बी डिवाइड बाय एक्स माइनस टू और एडिंग इसमें सी डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा है ना सेम सोल्व होगा तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दोगे एल्शियम लेना है तो ऐसे करके ठीक है यहाँ पे आएगा ए सॉरी पहले यहाँ पे लिख देते हैं एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री ठीक है फिर ए के साथ में एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कैंसिल तो यहाँ पे ऐसे करके एक्स माइनस टू और साथ में एक्स माइनस थ्री फिर एडिंग इसमें बी ठीक है ये एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू कैंसिल तो यहाँ पे एक्स माइनस वन और साथ में एक्स माइनस थ्री फिर एडिंग इसमें सी ठीक है ना ठीक है ये x माइनस थ्री और x माइनस थ्री कैंसिल तो यहाँ पे ऐसे करके x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू ठीक है और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा ये थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय ऐसे x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री एडिंग इसमें b मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री फिर से एडिंग इसमें c मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू अब आपको बस ये देखना है कि हम इनके इन डिनोमिनेटर वैल्यू को ज़ीरो कैसे कर सकते हैं तो एक बार हमें यहाँ पे x1 वन सब्सिट्यूट करना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पे x2 टू सब्सिट्यूट करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे, पे x को थ्री सब्सिट्यूट करना पड़ेगा तो हम जब ये वन सब्सिट्यूट करेंगे थ्री इंटू वन करेंगे थ्री और थ्री में वन माइनस करेंगे तो टू आ जाएगा ऐसे करके ठीक है ना सो टू इज़ इक्वल टू वन सब्सिट्यूट करेंगे तो ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो तो ये रिमेनिंग रहेगा सो ए मल्टीप्लाई वन में टू माइनस करेंगे माइनस वन आ गया ठीक है वन में थ्री माइनस करेंगे माइनस टू आ गया ये टू और टू कैंसिल हो गया वैल्यू रहा यहाँ पे ए के साथ में नेगेटिव साइन इनको मल्टीप्लाई सॉरी ये माइनस माइनस भी कैंसिल होता है है ना तो पॉजिटिव ए आएगा यहाँ पे ऐसे करके ये पॉजिटिव ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड सिर्फ वन है तो बस इसी पे ऐसे बॉक्स बना देंगे कि ए का वैल्यू बन आ गया फिर हम जब टू सब्सटीट्यूट करेंगे थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स में वन माइनस करेंगे तो फाइव आ गया फाइव इक्वल टू ये वाली वैल्यू जीरो और ये वाली वैल्यू ज़ीरो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी मल्टीप्लाई टू में वन माइनस करेंगे तो वन आएगा और टू में माइनस थ्री करेंगे माइनस वन आएगा ठीक है वन को माइनस वन से करेंगे तो माइनस बी तो माइनस बी इक्वल टू फाइव इसका मतलब है जो बी का वैल्यू है वो माइनस फाइव है ठीक है ना जो बी का आंसर है वो हमारा माइनस फाइव है इसके बाद जब हम ये वाला थ्री सब्सिट्यूट करेंगे तो ये वाली वैल्यू जीरो ये वाली वैल्यू जीरो ये रिमेनिंग रहेगी तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे पहले तो थ्री यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन में वन माइनस करेंगे तो एट सो एट इज़ इक्वल टू यहाँ पे सी आएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे थ्री में वन माइनस करेंगे टू आ गया और थ्री में टू माइनस करेंगे तो वन आ गया ठीक है टू के टेबल पे एट को कैंसिल करेंगे तो टोटल यहाँ पे फोर रहेगा यानी कि देखो यहाँ पे सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सी रहेगा सो सी इज़ इक्वल टू में फोर तो कितना सिंपल हो गया सी वैल्यू आ गया अपने पास फोर सो so, देखेगा इस हमने यहाँ पे ए वैल्यू बी वैल्यू सी वैल्यू नोट कर दिया है है ना ए वैल्यू वन था तो वन अपॉन एक्स माइनस वन बी वैल्यू माइनस फाइव है तो माइनस फाइव बाई एक्स माइनस टू सी वैल्यू फोर थी तो फोर बाई एक्स माइनस थ्री अब आप यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड और यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन सिंबल फिर यहाँ पे ऐसे थ्री एक्स माइनस वन डिनोमिनेटर वैल्यू अपने को दिया हुआ है एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री यहाँ पे ऐसे डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन यहाँ पे ऐसे डी एक्स प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू यहाँ पर ऐसे डी एक्स देन एडिंग इसमें फ़ोर इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री और यहाँ पर ऐसे डी एक्स ठीक है फर्स्ट का इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे लोगेरिदम अंडर मोड एक्स माइनस वन फिर यह माइनस फाइव के साथ में ऐसे लोगैरिदम अंडर मोड एक्स माइनस टू फिर यहाँ पे प्लस फोर रहेगा और साथ में लोगरिदम अंडर मोड एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे एडिंग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको आगे सॉल्व हम करेंगे नहीं इतना ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है दिस इज़ द फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव के फर्स्ट पार्ट में गाइस सबसे पहले ना हमें यहाँ पर इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्वेयर का तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे भाई ये इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे ऐसे करके फाइव एक्स डिवाइड बाय सबसे पहले तो ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे एक्स प्लस वन और फिर इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना तो इस फोर को आप लिख सकते हो ऐसे करके टू की पावर टू तो बी का वैल्यू टू रहेगा और ए का वैल्यू एक्स है तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा x माइनस टू और फिर इसके बाद आ जाएगा x प्लस टू ठीक है अब ये क्वेश्चन जैसे हमने फोर्थ का सेकंड पार्ट किया है या फोर्थ का फर्स्ट पार्ट किया है उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा तो इसका मतलब इसके आगे क्वेश्चन एकदम सिंपल है आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन सो लिखेंगे कंसीडर फाइव एक्स डिवाइडेड बाय सबसे पहले अपने पास x प्लस वन फिर इसके बाद x माइनस टू और फिर इसके बाद x प्लस टू ये टोटल वैल्यू इक्वल है कैपिटल ए डिवाइड बाय x प्लस वन के फिर एडिंग इसमें कैपिटल बी डिवाइड बाय x माइनस वन के देन एडिंग इसमें कैपिटल सी डिवाइडेड बाय x प्लस टू ठीक है यहाँ पे माइनस टू आएगा ये वाला अब हम जल्दी से फटाफट स्पीड से एल्शियम लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमने यहाँ पे नोट कर दिया भाई एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू ठीक है एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन कैंसिल करेंगे सो ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू देन एडिंग इसमें बी ये एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू कैंसिल करेंगे तो एक्स प्लस वन और साथ में एक्स प्लस टू फिर एडिंग इसमें सी एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके x प्लस वन और साथ में x माइनस टू ठीक है इसको आगे एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे रहेगा अपने पास फाइव एक्स डिवाइडेड बाय सबसे पहले ऐसे x प्लस वन फिर इसके बाद x माइनस टू और फिर इसके बाद x प्लस टू डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगा अपने पास फाइव एक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू फिर एडिंग इसमें बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू फिर से इसमें एडिंग सी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू इनके भी डिनोमिनेटर को गाइस अगर आप ज़ीरो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्स को माइनस वन सब्सिट्यूट करना होगा अगर आप माइनस वन सब्सिट्यूट करोगे तो माइनस वन इंटू फाइव तो भाई सिंपल सिंपल माइनस फाइव हो जाएगा सो माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन सब्सिट्यूट करेंगे तो ये भी जीरो और ये भी जीरो तो ये रिमेनिंग रहेगा सो ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू है माइनस वन माइनस टू करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा एक्स प्लस टू है माइनस वन प्लस टू करेंगे तो टोटल वैल्यू अपने पास ऐसे वन आ जाएगा ए को माइनस थ्री से करेंगे तो आप ऐसे लिख दोगे इसको माइनस ऑफ थ्री ए इक्वल टू में माइनस ऑफ फाइव माइनस माइनस कैंसिल तो ए का वैल्यू आ गया अपने पास फाइव बाई थ्री ठीक है ना गाइस ए का वैल्यू आ गया अपने पास फाइव बाई थ्री इसी तरह यहाँ पर हम इसको जीरो करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू में टू है ना एक्स को यहाँ पे टू सब्सिट्यूट करेंगे तो टू सब्सिट्यूट करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा ये रिमेनिंग रहेगा तो फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऐसे आएगा टेन इक्वल टू में बी विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन है टू प्लस वन है यानी कि थ्री हो जाएगा फिर यहाँ पे एक्स प्लस टू है टू प्लस टू यानी कि टोटल फोर हो गया थ्री और फोर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी ट्वेल्व इसके साथ बी और इक्वल टू में टेन दोनों को आप एक काम करो टू पे कट कर दो तो ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे करके सिक्स इं टू बी इक्वल टू में फाइव इसका मतलब जो बी है वो फाइव डिवाइड बाई सिक्स है कितना सिंपल हो गया है ना अब इसी तरह आप यहाँ पे सब्सीट्यूट करोगे एक्स इक्वल टू माइनस टू ठीक है माइनस टू सब्सीट्यूट करेंगे ताकि ये वाला जीरो हो जाए तो माइनस टू सब्सिट्यूट करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा ये रिमेनिंग रहेगा बट फाइव को माइनस टू से करेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके माइनस टेन इक्वल टू सी विद इन ब्रैकेट यहाँ पे माइनस टू प्लस वन करा तो टोटल वैल्यू माइनस वन आ गया यहाँ पे माइनस टू सब्सिट्यूट करा तो माइनस टू माइनस टू माइनस फोर हो गया ठीक है ना इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फोर सी इज इक्वल टू माइनस टेन एंड हम इसको जब टू के टेबल पे कट करेंगे तो टू सी इज़ इक्वल टू माई नेगेटिव फाइव यानी कि जो सी है वो नेगेटिव फाइव डिवाइड बाई टू है ठीक है अब आप नेक्स्ट इक्वेशन में इसको दोबारा रिपीट करोगे और ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे सो देखिए गाइज हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है ए फाइव बाई थ्री था बी फाइव बाई सिक्स था और सी नेगेटिव फाइव बाई टू था इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड और यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन सिंबल फिर यहाँ पे ऐसे फाइव एक्स डिनोमिनेटर में सबसे पहले x प्लस वन और फिर इसके साथ में x माइनस टू और फिर इसके साथ में x प्लस टू और यहाँ पे ऐसे dx एक्स इक्वल टू फाइव बाई थ्री ऐसे आ गया इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन यहाँ पे ऐसे dx फिर से एडिंग इसमें फाइव बाई सिक्स इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू यहाँ पे ऐसे dx फिर यहाँ पे प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव बाई टू इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाय एक्स प्लस में टू और यहाँ पे ऐसे डी ठीक है तो ये ऐसे आएगा यहाँ पे फाइव बाई थ्री इसके साथ में लोगरिदम अंडर मोड एक्स प्लस वन ठीक है ना फिर एडिंग इसमें ऐसे फाइव बाई सिक्स फिर यहाँ पे दोबारा से लोगैरिदम अंडर मोड एक्स माइनस टू फिर माइनस में फाइव बाई टू फिर यहाँ पे ऐसे लोगरिदम अंडर मोड एक्स प्लस टू और इसमें एडिंग कर दिया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो बस इसको आगे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते तो दिस इज अवर फाइनल आंसर देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर फाइव का जो सेकेंड पार्ट है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला जो फैक्टर है डिग्री टू में है और ये वाला फैक्टर एकदम सिंपल है तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसे कंसीडर न्यूमरेटर वैल्यू अपने को एक्स दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में सबसे पहले है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और फिर है अपने पास एक्स प्लस टू तो जो वैल्यू अपने को स्क्वायर में दिया हुआ है उसको ऐसे लिखेंगे ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन सबसे पहले सिंपल फिर इसमें एडिंग करेंगे बी डिवाइडेड बाय फिर स्क्वायर वाला नोट करेंगे एक्स माइनस वन होल स्क्वायर फिर से इसमें एडिशन साइन और ये वाला नोट करेंगे ये जो एक्स प्लस टू अपने को दिया हुआ है तो सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस में टू ठीक है ना स्क्वायर वाली टर्म को इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट किया जाता है तो राइट हैंड साइड में तो सिंपल हमें एलसीएम लेना है तो यहाँ पे रहेगा ऐसे डिनोमिनेटर में ऐसे करके एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और साथ में एक्स प्लस में टू ठीक है एलसीएम लेने का फंडा आप इस तरह समझ सकते हो देखो दिया हुआ है आपको वन अपॉइन में टू फिर इसमें एडिंग है ऐसे वन अपॉइन में टू की पावर टू और फिर से एडिंग है इसमें वन अपॉइन में थ्री तो अगर आप इन सबका एलसीएम लोगे तो ये जो टू की पावर टू लिखा हुआ है ये तो फोर है तो जब आप एल्शियम लोगे तो एक तो ये तो फोर ले लोगे और एक ये थ्री ले लोगे यानी कि टोटल एल्शियम आप ऐसे लिख दोगे फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री जिसमें ये वाला टू ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा इसलिए मैंने हमने इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और साथ में एक्स प्लस टू अब देखो ए के डिनोमिनेटर में जो एक्स माइनस वन है वो इस डिग्री टू को कट करेगा है ना देखो यार डिनोमिनेटर में जो डिग्री टू है वो एक डिग्री इससे कट हो जाएगा तो रिमेनिंग रह जाएगा एक्स माइनस वन और साथ में एक्स प्लस टू तो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लीकेशन ए के साथ आएंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस में वन होल स्क्वायर ठीक है बल्कि होल स्क्वायर मैं गलत कॉपी कर रहा हूँ होल स्क्वायर नहीं आएगा ओनली एक्स माइनस वन और साथ में इसके साथ यहाँ पे एक्स प्लस में टू ठीक है फिर एडिंग साइन यहाँ पे बी नोट करा ये स्क्वायर टर्म टर्म को कैंसिल करेगा तो ये रिमेनिंग रहेगा तो यहाँ पे ऐसे करके x plus 2 आ गया फिर इसमें एडिंग इसमेंगे एक्स प्लस टू को कैंसिल करेगा तो ये स्क्वायर टर्म आएगा तो यहाँ पे ऐसे करके एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया और हमने इसको ऐसे एक्सटेंड करा और यहाँ पे लिख देंगे एक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू सेम रहेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस में टू डिनोमिनेटर वैल्यू को कैंसिल करने पर आप यहाँ पे नोट करोगे x इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू फिर साथ में b मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू और फिर इसमें यहाँ पे c मल्टीप्लाई बाय x माइनस में वन का होल स्क्वायर ध्यान से देखिएगा गाइज यहाँ पे हम एक तो इसमें अगर वन सब्सीट्यूट करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और अगर यहाँ पे माइनस टू सब्सिट्यूट करेंगे तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो आपको यहाँ से पता चला कि एक बार हम x की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे वन और यहाँ पे ऐसे करके एक बार हम x का वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे माइनस टू तो अगर आप वन सब्सिट्यूट करोगे तो इस वाली x की जगह पे वन आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू साइन वन सब्सिट्यूट कराए तो ये वाली टर्म को नोट करने का नीड नहीं है ये ज़ीरो हो जाएगा ये इसको भी नोट करने की नीड नहीं है ज़ीरो हो जाएगा तो ये बी रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे लिखेंगे b मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह पे वन और टू सेम लिखा वन में टू प्लस करेंगे तो बनेगा थ्री मल्टीप्लाई बी और इक्वल टू में वन और यहाँ से आप नोट कर सकते हो b का आंसर हो जाएगा वन डिवाइड बाई थ्री कितना सिंपल हो गया है ना अब माइनस टू सब्सिट्यूट करना है तो यहाँ पे सब्सिट्यूट करने का नीड नहीं है जीरो हो जाएगा यहाँ पे सब्सिट्यूट करने का नीड नहीं है ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे और सी डिटरमाइन करेंगे तो इस वाले x की जगह पे यहाँ पे तो ऐसे लिख देंगे भाई माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे c मल्टीप्लाई बाई माइनस टू माइनस वन यानी कि माइनस थ्री और इसका होल स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो टोटल नाइन हो जाएगा है ना तो ऐसे करके नाइन और यहाँ पे ऐसे करके c और इक्वल टू में माइनस टू और आपने यहाँ पे देखा कि भाई c का वैल्यू आ गया माइनस में टू डिवाइड बाई नाइन ईजीली हमने अपना बी और सी वैल्यू डिटरमाइन कर लिया नाउ गाइस ए वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए ना आपके मन में जो एक्स का वैल्यू आए ना वो सब्सिट्यूट करो सिर्फ इन दोनों को छोड़कर है ना ये दोनों वापस सब्सिट्यूट नहीं करने इन दोनों को छोड़कर जो आपके मन में वैल्यू आए वो पुट करो जीरो पुट करो माइनस वन पुट करो टेन पुट करो इलेवन पुट करो हंड्रेड पुट करो थर्टीन पुट करो सिक्सटीन पुट करो ट्वेंटी फाइव पुट करो जो आप सब्सिट्यूट करना चाहते हो वो सब्सिट्यूट करो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप ये जीरो सब्सिट्यूट कर दो है ना चाहे तो जीरो सब्सिट्यूट कर दो चाहे तो माइनस वन सब्सिट्यूट कर दो कैलकुलेशन इजी होता है तो अभी हम ये जीरो सब्सिट्यूट करेंगे बाकी हम इरेस कर देते हैं इधर से और यहाँ पे अब हम लिखेंगे भाई अपने को सब्सिट्यूट करना है एक्स इक्वल टू में जीरो सो डेट हम ए का वैल्यू डिटरमाइन कर सकें तो ये वाला एक्स तो जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे जीरो इक्वल टू ए सेम रहेगा तो ए आ गया विद इन ब्रैकेट x माइनस वन है यानी कि टोटल माइनस वन ये x प्लस टू है यानी कि टोटल टू ये भी x प्लस टू है तो पहले तो यहाँ पे b का वैल्यू नोट करो ये वाला वन बाई थ्री तो एडिंग इसमें वन बाई थ्री और इसके साथ में x प्लस टू है यानी कि यहाँ पे टू आ जाएगा फिर यहाँ पे c वैल्यू नोट करो जो कि है माइनस टू बाई नाइन और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे अगर आप जीरो पुट करोगे तो टोटल वैल्यू आपका माइनस वन का स्क्वायर होगा यानी कि वन हो जाएगा एकदम सिंपल हो गया यहाँ पे लिखेंगे इसको जीरो इज इस इक्वल टू में माइनस ऑफ टू ए ठीक है ना फिर इसमें एडिंग करेंगे यहाँ पे ये टू डिवाइड बाय थ्री और माइनस कर देंगे टू डिवाइड बाय नाइन ये टू ए यहाँ पे आके प्लस होगा सो टू ए इज इक्वल टू ये आएगा अपने पास टू बाय थ्री माइनस में टू बाय नाइन हर एक का न्यूमरेटर वैल्यू कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे रहेगा ए इज इक्वल टू में वन डिवाइड थ्री माइनस में वन डिवाइड नाइन ठीक है ना न्यूमरेटर वैल्यू अपन ने कैंसिल करा तो यहाँ पे ए हो गया यहाँ पे वन आ गया यहाँ पे वन आ गया अब आप इनका एल्सियम लेके कर सोल्व कर दो थ्री और नाइन का एल्सियम तो भाई हमारा नाइन रहेगा थ्री के टेबल पे नाइन हमारा थ्री पे आएगा यहाँ पे वन आ जाएगा यानी कि हमारे ए का वैल्यू आ गया सिंपल टू डिवाइड बाई नाइन एक बार आप चेक करो ए बी और सी आपको कैलकुलेट करना आ गया वेरी वेरी गुड अब आप इन ए बी सी तीनों वैल्यू को यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दो सो तो देखेगा इस हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को नोट कर दिया है ए वैल्यू टू बाई नाइन था बी वैल्यू वन बाई थ्री और सी वैल्यू माइनस टू बाई नाइन अब यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड और सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे देखो जी यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे ऐसे एक्स इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और साथ में ऐसे एक्स प्लस में टू और यहाँ पे ऐसे डी एक्स इक्वल टू में इंटीग्रेशन सिंबल ठीक है टू बाई नाइन को ऐसे नोट कर देंगे यहाँ पे ये यह रह जाएगा वन अपॉन में एक्स माइनस वन यहाँ पे ऐसे करके डीएक्स फिर इसमें एडिंग वन बाई थ्री यहाँ पर फ्री इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ठीक है यहाँ पे ऐसे डी एक्स देन माइनस टू डिवाइड बाय नाइन इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाय एक्स प्लस में टू और यहाँ पे ऐसे डी एक्स ठीक है यहाँ पे बनेगा ये टू बाई नाइन तो सेम रहेगा इसके साथ में आ जाएगा लोगे अंडर मोड एक्स माइनस वन फिर इसमें एडिंग यहाँ पे वन बाई थ्री ठीक है इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस में वन फिर इसमें माइनस टू डिवाइड बाई नाइन फिर यहाँ पे ऐसे करके लोगेरिदम अंडर मोड एक्स प्लस में टू और एडिंग इसमें कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं देख पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सर ये वाला इंटीग्रेशन ऐसे कैसे कन्वर्ट हो गया अरे यार आपने हमारे पहले की वीडियोस क्यों नहीं देखी गलत बात कर दी ना आपने देखो ध्यान से से देखना यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करना अगर हम वन डिवाइड बाई एक्स का डेरीवेटिव करते हैं ठीक है वन बाई एक्स का डेरीवेटिव करते हैं तो हमारा आंसर होता है माइनस वन डिवाइड बाई एक्स की पावर टू यह तो आपको पता है और हमारा इंटीग्रेशन एंटी डेरीवेटिव होता है आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए ये वन डिवाइड बाई एक्स बट यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं तो इसका मतलब ये बनेगा कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है वन अपॉन एक्स की पावर टू का है ना तो इसका आंसर होगा इस वाले नेगेटिव को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो यानी कि माइनस वन डिवाइड बाई एक्स ठीक है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इसी वाली प्रॉपर्टी से हमने नोट करा हुआ है ठीक है तो इसी तरह आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ था वन डिवाइड बाय एक्स माइनस में वन का होल तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ने डिनोमिनेटर हो जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है ना बल्कि गाइस आपको तो अपने एग्जाम में और भी इसको डायरेक्ट लिखना है प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा है ना तो उसको भी आपको फटाफट एग्जाम में नोट करना आना चाहिए अभी मैं यहाँ पे इस वाले स्टेप में नोट कर देता हूँ यहाँ पे टू यह बाई नाइन इसके साथ में लोगैरिदम और ये अंडर मोड एक्स माइनस वन फिर प्लस माइनस माइनस वन डिवाइड बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन इस तरह से फटाफट नोट करेंगे और माइनस में फिर यहाँ पे टू बाई नाइन साथ में ऐसे लोगैरिदम अंडर मोड ऐसे एक्स प्लस टू और इसमें एडिंग सी सो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ठीक है इसमें मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ इसको थोड़ा आप ध्यान से करिएगा है ना ये मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने इधर आपको बता दिया देखिए इस क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन को ना क्वेश्चन नंबर फाइव से पहले होना चाहिए था जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया ना अभी इस वाले क्वेश्चन से पहले होना चाहिए था क्योंकि देखो यहाँ पे ये यह डिग्री टू वाला भी है और ये सिंपल वाला भी है एंड जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे सिर्फ डिग्री टू वाला है तो इस वाले क्वेश्चन को पहले होना चाहिए था सो so डैट आप क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकेंड वाला पार्ट और अच्छे से समझ पाते बट कोई बात नहीं ये सेकेंड नंबर पे आया है बाद में आया है कोई इशू नहीं है अब तो आप समझ ही गए हैं यहाँ पे फटाफट से नोट करेंगे कंसीडर जो हमें थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय वेरी सिंपल एक्स माइनस टू होल स्क्वायर दिया हुआ है इसको हम नोट करेंगे कैपिटल ए डिवाइड बाय सबसे पहले लीनियर फैक्टर एक्स माइनस टू देन एडिंग इसमें बी डिवाइड बाय अब इसका स्क्वायर कर देंगे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है ना फिर यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे तो ये वाला एक्स माइनस टू और ये स्क्वायर तो स्क्वायर वाला एलसीएम आ जाएगा ऐसे करके ठीक है ये एक्स माइनस टू स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो ए के साथ में ऐसे एक्स माइनस टू और इसमें एडिंग बी और यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे भाई थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सेम रहेगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू और एडिंग इसमें बी यहाँ पे आप देखकर समझ पा रहे हैं कि हम एक्स को टू सब्सिट्यूट करेंगे सो डैट ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे भाई को टू करना है और टू सब्सिट्यूट करेंगे तो थ्री इंटू टू, टू सिक्स सिक्स में वन माइनस करा फाइव आया इक्वल टू में ये वाली तो वैल्यू जीरो हो जाएगी तो रिमेनिंग रहेगा बी और इसको ऐसे लिख दो भाई बी का वैल्यू आ गया अपने पास फाइव अब इसके बाद हमारी मर्जी है हम कोई भी वैल्यू अपने मन का सब्सिट्यूट कर सकते हैं और सबसे इजी होता है जीरो सब्सिट्यूट करना तो हम एक्स की वैल्यू जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एक्स इक्वल टू में जीरो ठीक है अगर एक्स को जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रहेगा माइनस वन इक्वल टू में ए तो हम डिटरमाइन कर रहे हैं साथ में ये रहेगा अपने पास माइनस टू और ये बी वैल्यू अपने पास टोटल फाइव है तो यहाँ पे ऐसे फाइव ये प्लस फाइव जब यहाँ पे आएगा माइनस होगा तो माइनस वन माइनस फाइव इक्वल टू मई माइनस ऑफ टू ए ये दोनों ऐड होकर के नगेटिव सिक्स हो जाएगा यहाँ पे ऐसे करके नेगेटिव टू ए माइनस माइनस कैंसिल टू के टेबल पे सिक्स कैंसिल थ्री पे इसका मतलब ये है कि ए का वैल्यू आ गया अपने पास थ्री तो कितना सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे इस इक्वेशन को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं सो गाइज यार आप लोग ना कंपेयर मत करना यार ठीक है कंपेयर करने से इजी मेथड मैंने आपको बता दिया एक वैल्यू यहाँ पे जीरो कर दो और एक वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दो अब इसके बाद आप यहाँ पे नोट करेंगे ए और बी का वैल्यू तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सो so, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हमने डिटरमाइन करा कि भाई ए वैल्यू थ्री है तो थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस टू और एडिंग इसमें बी वैल्यू फाइव है तो फाइव डिवाइड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ठीक है ना फिर यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड और फटाफट इंटीग्रेशन कर देंगे तो आप ऐसा नोट करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल सबसे पहले थ्री एक्स माइनस वन डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐसे डी एक्स इक्वल टू ठीक है थ्री को आगे कर लेंगे इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू यहाँ पे ऐसे डी एक्स फिर एडिंग इसमें फाइव इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और यहाँ पे ऐसे करके डी एक्स तो अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई थ्री तो सेम रहेगा साथ में ही बन जाएगा लोगेरिदम अंडर मोड एक्स माइनस टू ठीक है फिर इसमें एडिंग कर देंगे फाइव ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था ना वन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर टू का अगर इंटीग्रेशन करना है आपको तो आंसर होगा नगेटिव वन डिवाइड बाई एक्स तो ये जो प्लस फाइव हमने नोट कर दिया है ये माइनस होना चाहिए तो हम इसको ऐसे माइनस कर देंगे एंड बाकी की वैल्यू नोट करेंगे भाई आएगा ये मल्टीप्लाई वन डिवाइड बाय ये वाला डिनोमिनेटर सिंपल एक्स माइनस टू एडिंग करेंगे कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस फाइव को वन से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ऐसे बन जाएगा ये भाई थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव डिवाइड बाई एक्स माइनस टू और एडिंग इसमें सी दिस इज अवर फाइनल आंसर कितना सिंपल हो गया गाइस ये तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के सेकंड पार्ट में ना गाइस अपने को ये डिनोमिनेटर को सोल्व करना पड़ेगा तो आप इसको ऐसे देखो दिया हुआ एक्स की पावर थ्री माइनस की पावर टू माइनस एक्स प्लस इनमें से कॉमन ले लेंगे एक्स की पावर टू ठीक है ब्रैकेट में रहेगा एक्स माइनस वन इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस वन ब्रैकेट में रहेगा x -1, एक ब्रैकेट ये वाला आ गया अपने पास x -1, साथ में इन दोनों को नोट करेंगे एक्स की पावर टू माइनस वन इसमें दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे ये एक्स माइनस वन है ये वाली वैल्यू बन जाएगी एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और साथ में एक्स प्लस वन तो ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है हम इसको इसमें कन्वर्ट करके लिखेंगे सबसे पहले तो देखिए इस हमने अभी डिटरमाइन किया था कि भाई ये जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है हमारा x माइनस वन होल स्क्वायर के मल्टीप्लाई बाय x प्लस वन के ठीक है और ऊपर सेम रहेगा ये थ्री एक्स प्लस में फाइव यहाँ पर ऐसे करके dx अब ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकंड पार्ट किया था तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिखोगे कंसीडर थ्री एक्स प्लस में फाइव डिवाइडेड बाय सबसे पहले एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और साथ में एक्स प्लस वन इसकी जो टोटल वैल्यू है वो ए डिवाइड बाय इसका लीनियर फैक्टर एक्स माइनस वन एडिंग इसमें बी डिवाइड बाय इसका स्क्वायर तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एडिंग इसमें सी डिवाइड बाय ये वाला आ जाएगा यहाँ पे ऐसे एक्स प्लस वन ठीक है ए बी सी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा ये a मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन फिर एडिंग इसमें b के साथ में यहाँ पे ऐसे x प्लस वन फिर से एडिंग इसमें c और यहाँ पे ऐसे x माइनस वन का होल स्क्वायर और इसके डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे x माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन और यहाँ पे ऐसे करके ये थ्री एक्स प्लस में फाइव डिवाइडेड बाय यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन दोनों की डिनोमिनेटर वैल्यू को कैंसिल करने पर गाइस अपने पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा ये इस तरह से करके थ्री एक्स प्लस में फाइव इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले एक्स माइनस वन और साथ में एक्स प्लस वन आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो बट उसकी नीड नहीं पड़ेगी देन एडिंग इसमें बी और इसके साथ में एक्स प्लस वन फिर इसे एडिंग इसमें सी और यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे वन ठीक है ना वन पुट करेंगे सो डैट आंसर हमारा ज़ीरो हो जाए तो ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा और ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा b वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे वन पुट करेंगे तो टोटल एट हो जाएगा है ना थ्री प्लस फाइव एट सो एट इज़ इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो b के साथ में यहाँ पे टू आ जाएगा एक्स प्लस वन वन प्लस वन टू टू के टेबल पे एट को कैंसिल करेंगे फोर हो गया यानी कि b की वैल्यू आ गई फोर कितना सिंपल हो गया बी वैल्यू फोर है फिर इसी के साथ हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस वन सब्सिट्यूट करेंगे इस तरीके से ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे हम सी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम यहाँ पर माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा माइनस थ्री में प्लस फाइव करेंगे तो टोटल वैल्यू टू आ गई सो टू इज इक्वल टू ये वाली टर्म जीरो ये वाली टर्म जीरो ये रिमेनिंग है तो माइनस वन माइनस वन है तो सी के साथ में ये माइनस टू हो जाएगा पावर इसकी टू है माइनस टू का स्क्वायर यहाँ पे टोटल फोर हो गया साथ में इसके सी और इधर से ये टू आ गया टू वन जा टू 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 जा फोर तो आंसर बना भाई वन इज इक्वल टू में टू सी यानी कि सी इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू सो दिस इज द आंसर ठीक है ना सी वैल्यू वन बाई टू है अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि भाई जो आपका मन करे ना वो एक्स का वैल्यू सब्सिट्यूट करना तो हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे जीरो क्योंकि जीरो वैल्यू सबसे इजी रहती है तो जीरो सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पे फाइव आ जाएगा तो ऐसे फाइव इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिखोगे इसको ए मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय प्लस वन ठीक है ये बी की वैल्यू नोट करोगे तो वो वैल्यू फोर है फोर के साथ में यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो वन आ जाएगा फिर सी की वैल्यू ये वन बाई टू है तो एडिंग इसमें वन बाई टू और यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे वन हो जाएगा यहाँ पे फाइव सेम रहेगा ये हो जाएगा माइनस ए फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर और वन बाई टू को करेंगे तो ऐसे वन बाई टू ये माइनस ए इधर आके प्लस हो जाएगा सो ए इज इक्वल टू ये वाला फाइव यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस फाइव प्लस में फोर प्लस में वन डिवाइड बाई टू तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई ए इज इक्वल टू ये माइनस फाइव और प्लस फोर करेंगे तो माइनस वन एडिंग करेंगे इसमें 1 बाई टू, -1, 1 बाई टू करेंगे तो टोटल हो जाएगा ये वन बाई टू तो ए बी सी तीनों का वैल्यू आ चुका है सो so, देखिए इस यहाँ पे हमने तीनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है अब यहाँ पे लिखना है टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड और सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो आप यहाँ पे ऐसे नोट करेंगे इंटीग्रेशन सिंबल ये ऐसे करके थ्री एक्स प्लस फाइव डिनोमिनेटर में है अपने पास एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन यहाँ पे ऐसे डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू को ऐसे नोट करेंगे इंटीग्रेशन सिंबल वन वन डिवाइड बाय माइनस यहाँ पे ऐसे फोर को अलग कर लिया इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वा ऐसे डी एक्स देन एडिंग इसमें सिंबल ऐसे करके डी एक्स यहाँ पे तो आंसर बनेगा ये वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय लोगेदम अंडर मोड एक्स माइनस वन फिर इसमें फोर ध्यान रखना है गाइस इसका इंटीग्रेशन नगेटिव वन बाई एक्स माइनस वन होगा अभी हमने आपको टू क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा तो यहाँ पे आप इसको बढ़िया तरीके से नोट करो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे माइनस फोर और इसके डिनोमिनेटर में सिंपल ऐसे एक्स माइनस वन फिर बाकी का इंटीग्रेशन कर दो वो सिंपल है इसमें ऐसे एडिंग वन डिवाइड बाई टू साथ में लोगरिदम और ऐसे अंडर मोड एक्स प्लस में वन और इसमें एडिंग करेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ पे देखो इसका और इसका दोनों का कोफिशेंट सेम है कोफिशेंट सेम होता है तो हमें इसमें वैल्यू लोगरिदम का अप्लाई करना पड़ता है तो यह ऐसे वन बाई टू साथ में लोगरिदम अंडर मोड आपको याद होगा लोगरिदम एम माइनस लोगेदम एन जो है ये इक्वल है ऑफ डिवाइड बाय के तो वही लिखना है ये एम का वैल्यू है और ये एन वैल्यू है तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एक्स माइनस वन इसके डिनोमिनेटर में ऐसे एक्स प्लस वन इसको क्लोज कर दिया माइनस फोर और इसके डिवीजन में एक्स माइनस वन एडिंग इसमें सी सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखा गया इस क्वेश्चन नंबर सेवन का जो फर्स्ट पार्ट है वेरी 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 सिंपल है सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे इसकी टोटल वैल्यू आई है सो so, ऐसे करके आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल और ऐसे करके एक्स की पावर थ्री माइनस ऑफ फाइफ एक्स डिनोमिनेटर में ध्यान से देखेगा यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो तो ऑलवेज रिमेंबर जहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे हमेशा अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगा यहाँ पे ऐसे एक्स प्लस थ्री और साथ में ऐसे करके एक्स माइनस थ्री ये जो वन है यहाँ पे 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 नहीं हो पाएगा तो तो रहेगा और ऐसे ऐसे करके एक्स। हम इसमें का करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बर आपको कंसीडर तो नोट करना ही है ठीक है कंसीडर एक्स पावर थ्री माइनस ऑफ फाइव एक्स डिवाइडेड बाई सबसे पहले तो एक्स माइनस थ्री फिर इसके साथ में एक्स प्लस थ्री और फिर इसके साथ में x की पावर टू प्लस वन इसकी जो टोटल वैल्यू है वो इक्वल है कैपिटल ए डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री फिर इसमें एडिंग साइन कैपिटल बी डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री फिर से इसमें एडिंग साइन अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो आएगा एक्स की पावर टू प्लस वन और न्यूमरेटर में भी अपने को एक लीनियर फंक्शन नोट करना है क्योंकि इसके हम फैक्टर नहीं बना पा रहे तो लीनियर फंक्शन इस तरह से सी एक्स प्लस में डी ठीक है इस तरह से लिखेंगे एंड आई थिंक मैंने हल्का सा मिस्टेक कर दिया है उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे मैंने प्लस लिखा था ना तो इधर तो प्लस होगा और ये इधर माइनस होगा ये माइनस होगा और आगे वाला प्लस रहेगा है ना तो इस तरह की मिस्टेक आप अपने एग्जाम में मत करना ठीक है अच्छे तरीके से देखना कि आपने पहले प्लस लिखा है माइनस लिखा है उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे क्वेश्चन सोल्व होगा तो यहाँ तक की बातें तो आप सभी को समझ आ गई हैं अब इसके राइट हैंड साइड में एलसीएम लेना है तो डिनोमिनेटर में तो सेम रहेगा सबसे पहले एक्स प्लस थ्री फिर इसके बाद में एक्स माइनस थ्री और फिर इसके भी बाद में एक्स की पावर टू प्लस वन ये एक्स प्लस थ्री इस एक्स प्लस थ्री को कट करेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे तो यहाँ पे ए के साथ में आप नोट करोगे एक्स माइनस थ्री और फिर इसके साथ में एक्स की पावर टू प्लस वन फिर यहाँ पे लिख देंगे एडिशन बी ये एक्स माइनस थ्री इसको कैंसिल करेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे ठीक है ना ये मेरा पेंसिल देख रहे हो ना इसको ध्यान से देखते रहना स्क्रीन पे ये फर्स्ट एंड थर्ड वाले मल्टीप्लाई में रहेंगे तो आप इसको यहाँ पे लिख दोगे एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर टू प्लस वन ठीक है फिर इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे लिख देंगे सी एक्स एडिशन डी ठीक है ना सी एक्स एडिशन डी फिर इसके ब्रैकेट में ये एक्स की पावर टू प्लस वन इसको कैंसिल करेगा तो ये दोनों टर्म रह जाएंगी एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री तो ऐसे करके x प्लस थ्री और इसके साथ में x माइनस थ्री और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे सेम रहेगा x की पावर थ्री माइनस ओ फाइफ एक्स डिवाइड बाय यहाँ पर ऐसे x प्लस थ्री इसके साथ में x माइनस थ्री और यहाँ पे ऐसे x की पावर टू प्लस वन ये दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आप नोट कर दोगे x की पावर थ्री माइनस ओ फाइफ़ एक्स इक्वल टू ए के साथ में पूरी स्टेटमेंट एकदम रिपीट करनी है ठीक है पूरा एज इट इज कैज इट इज नोट करना है अब यहाँ पे देख लो गाय सी वाला जो सी एक्स है अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा सी एक्स इसको भी हम ओपन कर देते हैं ओपन कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स की पावर टू माइनस नाइन तो सी एक्स के साथ में एक्स की पावर टू माइनस नाइन और फिर ये वाला जो डी है तो d के साथ में भी यहाँ पर x की पावर टू माइनस नाइन ठीक है इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको फटाफट फटाफट करना आना चाहिए अब ध्यान से देखिए गाइज अगर हम यहाँ पर थ्री सब्सिट्यूट करेंगे तो ये a वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी तो आप यहाँ पे लिखो हम यहाँ पे x की वैल्यू थ्री सब्सिट्यूट करेंगे ठीक है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे थ्री सब्सिट्यूट करेंगे थ्री की पावर थ्री हो जाएगा ट्वेंटी सेवन माइनस फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन इक्वल टू ये वाली पूरी टर्म कैंसिल ठीक है ना थ्री सब्सिट्यूट करा है ये वाली पूरी टर्म कैंसिल यहाँ पर थ्री सब्सिट्यूट करा है ये वाली पूरी टर्म कैंसिल ये वाली पूरी टर्म कैंसिल तो सिर्फ और सिर्फ ये बी रिमेनिंग रहेगा तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बी फिर विद इन ब्रैकेट ये है एक्स प्लस थ्री तो थ्री प्लस थ्री ऐसे नोट हो जाएगा यहाँ पे विद इन ब्रैकेट एक्स की पावर टू प्लस वन सो इट इज़ थ्री की पावर टू प्लस वन तो यहाँ पे आएगा ये बी मल्टीप्लाई थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया थ्री की पावर टू होती है नाइन में प्लस वन करा टेन आ गया और सेवन में फाइव माइनस करे टू और टू में वन माइनस करे वन ठीक है ये आ गया अपने पास ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय बी ट्वेल्व वन ज ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव जर सिक्सटी सो आपके पास वैल्यू बना फाइव बी इज इक्वल टू वन इट मीन्स बी इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय फाइव ठीक है जी जो बी वैल्यू है वो वन डिवाइड फाइव है जैसे हमने यहाँ पे थ्री सब्सिट्यूट किया था उसी तरह आप इसको जीरो करने के लिए माइनस थ्री सब्सिट्यूट कर दो तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस थ्री ठीक है माइनस थ्री सब्सिट्यूट करेंगे तो ये वाली b वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी ये वाली c वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली d वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो सिर्फ ये a रिमेनिंग रहेगा तो यहाँ पे सब्सीट्यूट करेंगे माइनस थ्री की पावर थ्री करेंगे माइनस ऑफ ट्वेंटी सेवन फाइव को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव फिफ्टीन हो जाएगा तो ऐसे पॉजिटिव फिफ्टीन आएगा इक्वल टू ए तो सेम रहेगा इसके साथ में ये बनेगा माइनस थ्री माइनस थ्री और एक्स की पावर टू को करेंगे ये बनेगा टोटल मिला करके नाइन और इसमें ऐड कर देंगे वन इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ ट्वेल्व जैसे यहाँ पे प्लस ट्वेल्व था यहाँ पे माइनस ट्वेल्व इक्वल टू ए सेम रहेगा साथ में ये नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस सिक्स और ये वाली सिंपल आएगी यहाँ पे टेन तो आंसर आ गया ये माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू में माइनस ऑफ सिक्सटी मल्टीप्लाई ए माइनस ट्वेल्व ने माइनस सिक्सटी को कैंसिल करा फाइव आ गया यानी कि फाइव ए का टोटल वैल्यू जो है वो वन है तो हम कह सकते हैं ए का वैल्यू वन डिवाइड बाई फाइव है ए और बी दोनों के दोनों हमारे वन बाई फाइव हैं अब यहाँ पे हम इस सी को जीरो करने के लिए ना गाइज़ एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ पे नोट करेंगे और हमें एक्स को जीरो पुट करना है ठीक है गाइस जितना टाइम लगेगा ना ये ए बी सी डी कैलकुलेट करने में लगेगा उसके बाद तो क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा तो अगर हम जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे ऐसे करके जीरो और इक्वल टू इसके बाद देखो यहाँ पे जो ए है तो ए का वैल्यू वन बाई फाइव है तो ए की जगह पे वन बाई फाइव लिखेंगे फिर यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो तो माइनस थ्री और वन तो यहाँ पे लिखेंगे भाई ए वैल्यू वन बाय फाइव है इसके साथ में माइनस थ्री है और फिर वन है फिर यहाँ पे देखो ये वाला बी है तो बी वैल्यू वन बाई फाइव है यहाँ पे जीरो पुट करेंगे यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये वाली थ्री और ये वाली वन तो यहाँ पे ऐसे एडिंग वन डिवाइड बाई फाइव इसके साथ में थ्री ठीक है ना और फिर इसके साथ में वन फिर हमने यहाँ पे जीरो पुट करा है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो गई है है ना ये डी रिमेनिंग रहेगा तो डी को नोट करेंगे यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो डी के साथ में माइनस नाइन तो यहाँ पे ऐसे एडिंग कर देंगे d और इसके साथ माइनस नाइन एक बार गाइस इसको ना थोड़ा सा रिपीट करके यानी कि थोड़ा सा रिवाइंड करके यहाँ तक देख लो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दिए ये बनेगा जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री बाय फाइव एडिंग होगा इसमें ऐसे थ्री बाय फाइव और माइनस आएगा यहाँ पे डी मल्टीप्लाई बाय नाइन ठीक है ये वाली दोनों टर्म आपस में कैंसिल यहाँ पे रहेगा जीरो इज इक्वल टू ये बनेगा माइनस ऑफ नाइन मल्टीप्लाई डी नाइन को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू जीरो आ गई देख रहे हो गाइस डी की वैल्यू क्या आ गई है जीरो आ गई है अब हमें सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट करना है सी वैल्यू तो सी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए गाइस आपके मन में जो वैल्यू आए ना वो सब्सीट्यूट करो मैं कह रहा हूँ जो आपके मन में आए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जो आपके मन में आए वो पुट करो लेकिन जो सबसे इजी है वो पुट करो तो सबसे इजी इस टाइम पे वन है तो हम वन पुट करेंगे ठीक है यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं अगर एक्स की वैल्यू वन पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे रहेगा ये वन की पावर थ्री वन और माइनस फाइव तो यहाँ पे लिख देंगे वन माइनस फाइव इक्वल टू ए की वैल्यू थी अपने पास वन बाय फाइव ठीक है ना फिर यहाँ पे पुट करेंगे वन यहाँ पे पुट करेंगे वन वन में थ्री माइनस करेंगे माइनस टू वन में वन प्लस करेंगे टू तो ये वाली वैल्यू माइनस टू ये वाली वैल्यू टू तो उसी तरह यहाँ पे नोट करेंगे एक वैल्यू माइनस टू और एक वैल्यू टू फिर दोबारा से इसके साथ में ऐसे वन डिवाइड बाय फाइव और यहाँ पे जाएंगे इधर भी वन और इधर भी वन तो वन प्लस थ्री फोर हो गया और यह आ गया टू फोर और टू तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसके साथ में फोर और इसके साथ में टू फिर सी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो सी वैल्यू तो सेम रहेगा यहाँ पे ऐसे सी फिर इसके साथ में एक्स की वैल्यू वन ठीक है और ये है एक्स की पावर टू माइनस वन तो वन की पावर टू माइनस नाइन यानी कि टोटल माइनस एट हो गया और इसके साथ में डी वैल्यू जीरो है तो आगे यहाँ पे नोट करने की नीड नहीं है क्योंकि वो सारा आंसर जीरो हो जाएगा तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं प्लस में जीरो बस अब यहाँ पे हम सी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो वन में फाइव माइनस करेंगे तो ऐसे करके माइनस फोर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में फोर डिवाइड बाई फाइव इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में एट डिवाइड बाई फाइव इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में एट मल्टीप्लाई बाय सी आगे को नोट करेंगे नहीं ये रहेगा यहाँ पे माइनस फोर इक्वल टू इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस में फोर बाय फाइव माइनस यहाँ पे एट सी ये एट सी इधर आके पॉजिटिव होगा तो एट सी इक्वल टू में यहाँ पे फोर बाय फाइव ये वाला फोर इधर आके प्लस हो जाएगा यहाँ पे ऐसे कॉमन विद इन ब्रैकेट वन बाय फाइव एडिंग इसमें पे 8 cancel करेंगे 2 हो जाएगा इसको करेंगे तो वन प्लस में फाइव डिवाइड बाय फाइव सो टू सी इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाय फाइव टू पे सिक्स कैंसिल करेंगे थ्री यानी कि सी वैल्यू आ गई हमारे पास थ्री डिवाइड बाय फाइव ये जो हमने ए बी सी डी चारों वैल्यू कैलकुलेट करी है नेक्स्ट पेज पे हम इसको इस पे नोट कर देंगे ठीक है देखिए पे हमने वैल्यू पुट कर दी है ए बी सी डी ए वैल्यू वैल्यून बाईव बी वैल्यू वैल्यून बाईव सी वैल्यू ये थ्री बाय फाइव और यहाँ पर ये जीरो अब हमें ना जीरो की कोई नीड नहीं है तो जीरो को हम यहाँ पे हटा रहे हैं ठीक है थीके? जीरो की कोई जरूरत नहीं है उसको हमने हटा दिया और तो इसके बाद आप देख सकते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन लिख दिया है फिर यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे एक्स की पावर थ्री माइनस ओ फाइव एक्स इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर एक्स की पावर टू माइनस नाइन और इसके साथ में ऐसे एक्स की पावर टू प्लस वन और यहाँ पे ऐसे डी एक्स इक्वल टू ये वन बाय फाइव को ऐसे लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ वन डिवाइड बाय एक्स प्लस में थ्री ठीक है ना इस तरह से आएगा और यहाँ पे ऐसे डी एक्स फिर यहाँ पे ऐसे ये एडिंग साइन और ये वन बाय फाइव ऐसे लिख देंगे इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाय एक्स माइनस में थ्री यहाँ पे ऐसे डी फिर से यहाँ पे ऐसे एडिंग यहाँ पे ऐसे ये थ्री बाय फाइव और यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर टू प्लस में वन और यहाँ पे ऐसे करके डी अब इसका आंसर तो आपको पता है लोगरिदम में हो जाएगा सो वन बाय फाइव ऐसे अंडर मोड एक्स प्लस में थ्री मोड क्लोज फिर इसमें एडिंग वन बाई फाइव ये भी मोड एक्स माइनस में थ्री आगे लिखने से पहले आप यहीं पे देखो इसको ये वन बाई फाइव और वन बाई फाइव दोनों कोफिशेंट सेम है तो वन बाई फाइव ऐसे और यहाँ पर यह लोगरिदम एडिशन जो है वो इनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेगा आपको पता है कि अगर लोग ऑफ एम एडिशन लोग ऑफ एन है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो यानी कि ऐसे लोग ऑफ एम एन ठीक है इस तरह से लिखेंगे तो ये लोग ऑफ एम एन करेंगे तो एक्स प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस थ्री से तो ये बन जाएगा एक्स की पावर टू माइनस नाइन तो ऐसे अंडर मोड एक्स की पावर टू माइनस नाइन मोड क्लोज अब इसको नोट करेंगे यहाँ पे देखो थ्री बाय फाइव आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीग्रेशन करना होता है और यहाँ पे ऐसे डेरिवेटिव दिया जाए डिनोमिनेटर में फंक्शन हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हो लॉग ऑफ फंक्शन राइट याद है आपको लॉग ऑफ फंक्शन तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर टू का डेरिवेटिव टू एक्स और वन का डेरिवेटिव जीरो टोटल डेरिवेटिव आएगा ये टू एक्स तो अगर कुछ ना कुछ करके हम यहाँ पर भी इसको टू एक्स बना दें तो हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं x को 2x बनाने के लिए आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे ऐसे 1 बाई टू और इंटीग्रेशन सिंबल और यहाँ पे ऐसे 2 2 और 2 को मल्टीप्लाई करा सो इक्वेशन बैलेंस रहे अब इसके डिनोमिनेटर में ऐसे करके x की पावर 2 प्लस वन और यहाँ पे ऐसे dx अब ये वाली प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग हो गई है तो आंसर इसमें चला जाएगा तो थ्री और फाइव टू सा टेन तो इसमें ऐसे एडिंग थ्री डिवाइड में टेन तो टोटल थ्री बाई टेन और फिर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोगेरिदम अंडर मोड फंक्शन इसका डिनोमिनेटर है यानी कि एक्स की पावर टू प्लस वन एडिंग कर देंगे कॉन्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दिस इज द फाइनल आंसर देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर सेवन का जो सेकेंड पार्ट है इसकी भी कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा हम फर्स्ट के जैसा ही करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंसीडर इसके बाद वन डिवाइडेड बाय वैल्यू दिया हुआ है अपने को x प्लस में वन का होल स्क्वायर और इसके साथ में है x की पावर टू प्लस वन और इसके इक्वल टू में यहाँ लिखेंगे a डिवाइडेड बाय क्योंकि ये सिंपल सा स्क्वायर टर्म है तो ऐसे करके पहले x प्लस वन और फिर से एडिंग इसमें b डिवाइडेड बाय इसी का स्क्वायर तो ऐसे x प्लस वन का होल स्क्वायर फिर से इसमें यहाँ पे एडिंग c इसको आप फैक्टर नहीं कर सकते तो ऐसे करके यहाँ पे सी एक्स प्लस में d और इसके डिनोमिनेटर में x की पावर टू प्लस में वन इसके बाद जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेवन में यहाँ पे एल्सिम लिया था तो इधर भी आपको लेना पड़ेगा तो यहाँ पे ऐसे नोट कर देंगे भाई एक बार ऐसे x प्लस वन का होल स्क्वायर और साथ में ऐसे x की पावर टू प्लस में वन ये वाला x प्लस वन इस डिग्री टू को कट करेगा तो x प्लस वन जाएगा तो यहाँ पे a के साथ में एक तो x प्लस वन आएगा और साथ में x की पावर टू प्लस वन आएगा फिर एडिंग इसमें b ये वाली पूरी स्क्वायर टर्म इसको कैंसिल करेगी तो ये वाली टर्म रिमेनिंग रहेगी तो ऐसे x की पावर टू प्लस वन फिर तो यहाँ पर एडिंग सी एक्स प्लस में d इसको ब्रैकेट में ऐसे करके ये x की पावर टू प्लस वन इसको कट कर देगी तो ये वाली टर्म यहाँ पे नोट करेंगे ऐसे करके x प्लस में वन का होल स्क्वायर ठीक है ना गाइस इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में करना है और यहाँ पे इसको नोट कर देंगे वन डिवाइडेड बाई ये रहेगा यहाँ पे ऐसे x प्लस वन का होल स्क्वायर और साथ में x की पावर टू प्लस में वन इस तरह से करके दोनों के डिनोमिनेटर वैल्यू को हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वन इक्वल टू इसको पूरा एज इट इज़ रिपीट करेंगे बस ये वाली जो दो टर्म्स है ना इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे a मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन साथ में इसके x की पावर टू प्लस वन फिर यहाँ पे एडिंग b इसके साथ x की पावर टू प्लस वन और फिर यहाँ पे c के साथ में x और इसके साथ में x प्लस वन का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे ऐसे d और d के साथ में भी ऐसे x प्लस वन का होल स्क्वायर इसके बाद गाई सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू माइनस वन सब्सिट्यूट करेंगे एंड माइनस वन सब्सिट्यूट करते ही ये वाला जो वैल्यू है ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा ठीक है ना और इसके साथ में ये वाली जो टर्म है ये भी पूरी ज़ीरो हो जाएगी और ये भी ज़ीरो हो जाएगी तो सिर्फ ये रिमेनिंग रहेगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे वन इज़ इक्वल टू बी के साथ में एक्स की पावर टू प्लस वन है तो एक्स की पावर टू यानी वन की पावर माइनस वन की पावर टू जो कि वन हो जाएगा एडिंग करेंगे इसमें वन वन प्लस वन टोटल टू तो आप कह सकते हैं बी का वैल्यू आ जाएगा वन डिवाइड बाई टू कितना सिंपल हो गया गाइस बी वैल्यू इज़ वन डिवाइड बाई टू इसके बाद गाइस यहाँ पे हम जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे x इक्वल टू में जीरो और x को जीरो सब्सिट्यूट करने से ये वाला जो c वैल्यू है ये हमारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ पे लिखेंगे वन इज़ इक्वल टू ये a तो सेम रहेगा ठीक है ना a वैल्यू सेम रहेगा इसके साथ में जीरो पुट किया है तो ये वाली वैल्यू बन हो जाएगी यहाँ पे जीरो पुट किया है तो ये भी बन हो जाएगा b वैल्यू हमारे पास वन बाई टू है तो एडिंग कर देंगे वन बाई टू विद इन ब्रैकेट एक्स की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर भी ऐसे वन आ जाएगा फिर इसको नोट करने की नीड नहीं है हमें डायरेक्ट इसको नोट करेंगे तो इसमें एडिंग करेंगे d और इसके साथ में जीरो पुट करेंगे तो वन की पावर टू करनी पड़ेगी तो वन ही रहेगी यहाँ पे रहेगा ये वन इस इक्वल टू में ये पूरा मल्टीप्लाई a हो जाएगा यहाँ पे सिंपल सा वन बाई टू रहेगा और ये वाला सिंपल सा यहाँ पे d रहेगा ये वन बाई टू को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो आप यहाँ पे नोट कर लो इसको ध्यान से समझते जाना आप ठीक है ये वन बाई टू यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है तो यह बनेगा ऐसे ए प्लस में डी इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू और इसको हम यहीं पे ऐसे करके बॉक्स बना लेंगे क्योंकि हम इसको अभी आगे सॉल्व नहीं कर सकते अब आगे हमने यहाँ पे माइनस वन पुट करा और जीरो पुट करा अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी से एक्स को वन पुट कर दो ठीक है जब आप एक्स को वन पुट करोगे तो भाई यहाँ पे तो वन रहेगा वन इक्वल टू यहाँ पर दोनों जगह पर वन और वन सब्सिट्यूट करेंगे तो ए सेम रहेगा इसके साथ में वन प्लस वन टोटल टू हो जाएगा वन की पावर वन करेंगे प्लस वन करेंगे ये भी टू हो जाएगा b की वैल्यू हमारे पास है तो उसको यहाँ पे वन बाई टू लिख देंगे x की पावर टू यानी कि वन की पावर टू करेंगे वन की पावर टू दोबारा से वन यानी कि टोटल ऐसे यहाँ पे टू हो जाएगा वन प्लस वन टोटल टू हो जाएगा यहाँ पर यह वाला c वाली वैल्यू भी आएगी तो इसमें एडिंग करेंगे c इसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे वन है और फिर दोबारा से वन प्लस वन यानी कि ये टू का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये डी यहाँ पे सेम रहेगा ठीक है डी और ये है यहाँ पे 1 प्लस 1. X वन 1 प्लस वन एक्स की वैल्यू वन वन प्लस वन यानी कि टू सो इट इज़ टू का स्क्वायर ये वन रहेगा वन इक्वल टू यह टोटल बन जाएगा यहाँ पे ऐसे फोर ए ये टू और टू कैंसिल होंगे यहाँ पे वन हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा ये टू का स्क्वायर फोर तो ऐसे करके फोर सी और ये भी इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा फोर मल्टीप्लाई बाय टू का स्क्वायर फोर और ये वाला डी सेम ये प्लस वन प्लस वन कैंसिल तो हमारे पास आया है फोर ए में ऐड करेंगे अगर फोर सी इसमें ऐड करेंगे अगर फोर डी तो टोटल वैल्यू रहेगी हमारे पास जीरो ठीक है ना ये वाले दोनों वन कैंसिल हो गए तो इक्वल टू जीरो बाकी फोर ए फोर डी और फोर सी हमने यहाँ पर नोट कर दिया अब आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन में ए प्लस डी का कम्बाइन वैल्यू है वन बाई टू तो आप ये ए और डी को कम्बाइन कर लो ऐसे यहाँ पे फोर ए प्लस में फोर डी और एडिंग इसमें यहाँ पे फोर सी इक्वल टू में जीरो ठीक है इनको कंबाइन करेंगे फोर ऐसे ए प्लस डी आ जाएगा यहाँ पे ठीक है ऐसे ए प्लस डी इसमें एडिंग करेंगे फोर सी इक्वल टू में यहाँ पे जीरो ठीक है फोर और ए प्लस सी ए प्लस डी की जगह पे ऐसे वन बाई टू यहाँ से वैल्यू पुट कर दी वन बाई टू एडिंग इसमें फ़ोर सी इक्वल टू में जीरो ये यह दोनों यहाँ पे टू वन जी टू और टू टू ज़ा फोर सो so टू में एडिंग करेंगे फोर सी इक्वल टू में ज़ीरो यहाँ पे लिखेंगे फोर सी इज़ इक्वल टू माइनस टू और यहाँ पे सी का वैल्यू आ गया माइनस वन डिवाइड बाई टू देखो जरा चेक करो कहीं कोई डाउट आपको सी वैल्यू आ गई अपने पास माइनस वन डिवाइड बाई टू भाई सब यहाँ पर ए और डी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ना अपने को एक्स की वैल्यू अपने से सब्सिट्यूट करनी पड़ेगी तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू सब्सिट्यूट कर देते हैं ठीक है मैंने बोला था ना आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू पुट कर रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू में तो वन है तो यहाँ पे तो वन रहेगा इसके इक्वल टू में ए हमें डिटरमाइन करना है तो ए लिख दिया ठीक है ए के साथ में ही एक्स प्लस वन है तो टू प्लस वन करेंगे तो टू प्लस वन टोटल वैल्यू थ्री आ जाएगी फिर यहाँ पे एक्स की पावर टू प्लस वन है तो एक्स की वैल्यू ही टू है तो टू की पावर टू प्लस वन करेंगे तो फोर प्लस वन यानी कि फ़ाइव हो जाएगा फिर इसमें एडिंग करेंगे बी वैल्यू वन बाई टू कैलकुलेट हो रखी है यहाँ पे ऐसे वन बाई टू लिख देंगे इसके साथ में एक्स की पावर टू प्लस वन है यानी कि सिंपल सिंपल ये फाइव आ जाएगा ठीक है इसके बाद ये जो सी वैल्यू है ये माइनस वन बाई टू है तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे भाई माइनस वन डिवाइड बाई टू फिर एक्स वैल्यू हमने टू पुट करी और फिर यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो टू प्लस वन का स्क्वायर करेंगे थ्री का स्क्वायर यानी कि टोटल नाइन हो जाएगा ठीक है और फिर ये डी सेम रहेगा तो यहाँ पे ऐसे एडिंग कर दिया डी और साथ में यहाँ पे ऐसे करके नाइन आ गया बस इसको सोल्व करेंगे अब सिंपल तो ये रहेगा वन इक्वल टू थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करा फिफ्टीन ए हो गया ये यह टोटल यहाँ पे फाइव डिवाइड बाई टू आ गया यहाँ पे टू और टू कैंसिल तो सिंपल सिंपल माइनस नाइन रहेगा और उधर से ऐसे करके नाइन के साथ में डी आ जाएगा ठीक है गाइस समझ पा रहे हो ये जो फाइव बाई टू है इसको अगर हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो वन माइनस में फाइव डिवाइड बाई टू इक्वल टू में यहाँ पे फिफ्टीन ए और इसमें एडिंग करा हमने नाइन डी और ये माइनस नाइन सेम इसको ऐसे लिख देते हैं फिफ्टीन ए फफ्टीन ए के साथ में यहाँ पे नाइन डी इसको माइनस करेंगे तो टोटल आ जाएगा ये अपने पास इक्वल टू में ही रहेगा और यहाँ पे रहेगा ये माइनस में थ्री डिवाइड बाई फाइव टू में फाइव माइनस करेंगे माइनस थ्री और यहाँ पे डिवाइड बाई टू ये वाला जो नाइन है इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो इसमें एडिंग कर देंगे प्लस नाइन ये रहेगा यहाँ पे ऐसे फिफ्टीन ए इसमें एडिंग करेंगे नाइन डी और इक्वल टू माइनस थ्री टू को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटीन और इसके डिनोमिनेटर में टू जब आप इसको कट पिट करोगे तो ऐसे बनेगा ये फिफ्टीन एडिंग इसमें नाइन डी और एटीन में थ्री माइनस करेंगे तो फिफ्टीन आ गया तो फिफ्टीन डिवाइड बाई टू ठीक है फिफ्टीन ए नाइन डी और फिफ्टीन डिवाइड बाई टू ठीक है गाइज अब आप एक काम करो यहाँ पे देखो ये फिफ्टीन है ये वाला नाइन है और ये वाला फिफ्टीन है थ्री थ्री के टेबल से सबको डिवाइड कर दो तो थ्री फाइव जो फिफ्टीन तो फाइव ए थ्री थ्री जो नाइन तो थ्री डी और थ्री फाइव जो फिफ्टीन तो फाइव डिवाइड बाई टू टू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे आ गया टेन ए टेन ए में एडिंग करेंगे यहाँ पे हम थ्री टू जिक्स डी और इक्वल टू में सिंपल ये फाइव एक तो है हमारे पास ये वाला इक्वेशन और एक हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ये ए प्लस डी का वैल्यू वन बाई टू तो उसको हम यहाँ पे दोबारा नोट करते हैं ए प्लस में डी का जो वैल्यू है ये वन बाई टू है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू ए प्लस में टू डी टू ए प्लस में टू डी का वैल्यू वन हो जाएगा एक ये वाली इक्वेशन है अब इन दोनों को हमें सोल्व करना है समझ पा रहे हो गाइस इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और एलिमिनेशन मैथड का यूज करेंगे तो हम यहाँ पर नोट करेंगे भाई एलिमिनेशन मैथड दोनों में लगाना है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो फाइव से फाइव को टू से मल्टीप्लाई करोगे टेन हो जाएगा ठीक है तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी ऐसे यहाँ पे टेन ए टेन ए में एडिंग करेंगे फाइव टू से दोबारा से ये टेन डी और इक्वल टू में फाइव बन जा फाइव इसको नोट करेंगे यहाँ पे ये टेन एडिंग करेंगे इसमें सिक्स डी और इक्वल टू में फाइव माइनस 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 ये कैंसिल हो गया टेन में से सिक्स माइनस करेंगे तो फोर डी इक्वल टू फाइव में से फाइव जीरो तो यहाँ पे डी की वैल्यू जीरो हो गई देख रहे हो गाइस डी की वैल्यू जीरो हो गई अगर डी वैल्यू जीरो है तो अब आप इसको यहाँ पे सब्सीट्यूट कर दो ए वैल्यू कैलकुलेट कर लो सो ए प्लस में जीरो इज इक्वल टू में वन डिवाइड बाई टू यानी कि ए का वैल्यू आ गया वन डिवाइड बाई टू अब यहाँ पे हमारा ए बी सी डी चारों कैलकुलेट हो गया ए वन बाई टू है डी जीरो है बी का वैल्यू वन बाई टू है और सी का वैल्यू माइनस वन बाई टू है इन चारों वैल्यू को हम अपनी इस इक्वेशन में सब्सीट्यूट कर देते हैं देखिए गैस यहाँ पे हमने ए बी सी डी वैल्यू पुट कर दिया है और साथ में इंटीग्रेशन बोथ साइड लिख दिया है एंड आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जीरो को नोट करने की नीड नहीं होती तो जीरो हमने हटा दिया ठीक है अब हम ये वाले दोनों जो साइन हैं ये साथ साथ आ रहे हैं प्लस माइनस एक साथ नहीं आ सकते तो यहाँ पे ऐसे करके इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाय सबसे पहले है एक्स प्लस में वन का होल स्क्वायर और इसके साथ में एक्स की पावर टू प्लस वन यहाँ पे ऐसे डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू बेस पे इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई एक्स प्लस में वन यहाँ पे ऐसे डी एक्स फिर दोबारा से यहाँ पे वन डिवाइड बाई टू इंटीग्रेशन वन डिवाइड बाई ऐसे एक्स प्लस में वन का होल स्क्वायर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे डी एक्स लिख दो पहले प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन सिंबल ये एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर टू प्लस में वन और यहाँ पे ऐसे डी एक्स इसका तो आंसर बन जाएगा ये वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई लो गिदम अंडर मोड एक्स प्लस में वन फिर यहाँ पे प्लस वन डिवाइड बाई टू इस स्क्वायर का आंसर हो जाएगा माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस में वन ठीक है इसको क्लोज कर दिया फिर यह माइनस वन बाई टू सेम रहेगा दोबारा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई टू इंटीग्रेशन सिम्बल यहाँ पे टू एक्स और इसके डिनोमिनेटर में एक्स की पावर टू प्लस वन और यहाँ पे ऐसे डी एक्स यह वाला कंसेप्ट आप समझ गए ना अभी हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में भी आया था देखो यहाँ पे जो हमने किया था यह वाला जो हमने यहाँ पे किया उसी के अकॉर्डिंग मैंने टू को मल्टीप्लाई डिवाइड करा है ठीक है तो एकदम सिमिलर कंसेप्ट है बल्कि हु यही है है ना एकदम सेम है तो उसी तरह हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसको आप ऐसे लिख दो वन बाई टू यहाँ पे ऐसे दो अंडर मोड एक्स प्लस में वन ठीक है ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस वन डिवाइड बाई टू इन में ऐसे एक्स प्लस वन और फिर माइनस वन बाई टू वन बाई टू टोटल माइनस वन डिवाइड बाई फोर साथ में लोग एरिदम अंडर मोड यह डिनोमिनेटर एक्स की पावर टू प्लस वन और एडिंग इसमें सी सो दिस इज अवर आंसर गाइस क्वेश्चन नंबर एट से ना हम कम्बाइंड स्टडी करेंगे एक तो एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सिक्स तो यूज़ होगा ही साथ में आप यहाँ पे ना देखेंगे कि हमें सब्सडी मेथड का भी यूज़ करना पड़ेगा तो अगर आपने सब्सडी मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है ना तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है इनफैक्ट मैंने सभी सीरियल वाइज एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं एंड इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए अगर हम एक्स की पावर टू ये एक्स की पावर टू को टी ले लें तो इसका डेरिवेटिव ये टू एक्स होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सिट्यूट करेंगे ये जो x की पावर टू है इसका वैल्यू t है x की पावर टू का डेरिवेटिव टू एक्स और t का डेरिवेटिव ऐसे dt टी डिवाइडेड बाई डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स को ऐसे यहाँ पे डी एक्स है और इक्वल टू में यहाँ पे लिख देंगे डी टी अब जो हमारा क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा मॉडिफाई हो जाएगा और कैसे होगा ध्यान से देखना यह वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन सिंबल 2x और dx की जगह पे यहाँ पे आ गया सिंपल ऐसे dt और इसके डिनोमिनेटर में x की पावर 2 प्लस वन था वो अब इस तरह से ऐसे t प्लस वन हो जाएगा और x की पावर 2 प्लस थ्री है वो इस तरह से यहाँ पे t प्लस थ्री हो जाएगा अब यह वाले क्वेश्चन तो आपको पता है पार्शल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर वन डिवाइडेड बाय सबसे पहले यहाँ पे ऐसे टी प्लस 1, और फिर यहाँ पे ऐसे करके टी प्लस 3. इसकी टोटल वैल्यू इक्वल है ए डिवाइडेड बाय ऐसे टी प्लस वन फिर एडिंग इसमें बी डिवाइडेड बाय टी प्लस में थ्री ठीक है ना अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए जो है इससे मल्टीप्लाई होगा टी प्लस थ्री हो जाएगा एंड ये जो बी है हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे टी प्लस वन हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन सो so इट इज़ टी प्लस वन और साथ में यहाँ पे ऐसे टी प्लस थ्री और यहाँ पे वन डिवाइड बाय टी प्लस में वन और साथ में ऐसे टी प्लस में थ्री डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल सो वन इज़ इक्वल टू में A के साथ में ऐसे टी प्लस थ्री और इसमें एडिंग बी और साथ में ऐसे टी प्लस वन अब यहाँ पे आप एक बार टी को माइनस थ्री पुट कर दो और ऐसे करके इधर एक बार सब्सिट्यूट कर दो माइनस वन ठीक है ना बारी बारी करके सब्सीट्यूट करेंगे हमारे ए और बी का वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे वन इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट करें तो इसको लिखने की नीड नहीं है यहाँ पे लिखेंगे तो b के साथ में लिख देंगे माइनस में थ्री एडिंग वन माइनस थ्री एडिंग वन यानी कि माइनस टू तो b का वैल्यू आ गया माइनस वन डिवाइड बाई टू कितना सिंपल हो गया इसी तरह माइनस वन पुट करेंगे तो वन इज इक्वल टू यहाँ पर सब्सिट्यूट होगा इधर तो सब्सिट्यूट करना नहीं है तो ए के साथ में यहाँ पे माइनस वन एडिंग करा इसमें थ्री ठीक है ना तो ये रहेगा यहाँ पे a इज़ इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे टू आएगा सो इट इज़ वन बाई टू ए वैल्यू वन बाई टू और b वैल्यू माइनस वन डिवाइड बाई टू तो अब आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो सो so, हमने देखा कि वन डिवाइड बाई जो t प्लस वन है साथ में t प्लस थ्री है दिस वैल्यू इक्वल टू ए वैल्यू वन बाई टू है तो वन बाई टू डिवाइडेड बाय यहाँ पे ऐसे करके t प्लस वन फिर इसमें एडिंग बी वैल्यू माइनस वन बाई टू है डिवाइडेड बाय और ये ऐसे ब्रैकेट में आएगा क्योंकि दो दो तो साइन एक साथ नहीं आ सकते और डिनोमिनेटर में ऐसे करके टी प्लस थ्री फिर यहाँ लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड अरे जैसे पहले पढ़ा है ना सेम उसी तरीके से करेंगे बस इधर ऐसे लिख दो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड ठीक है दोनों तरफ इंटीग्रेशन अपने को करना है तो इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाय ये ऐसे टी प्लस वन और यहाँ पे ऐसे ये टी प्लस थ्री और यहाँ पे ऐसे ये डी टी इक्वल टू वन बाई टू बेस पे आ गया इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई टी प्लस वन यहाँ पर ऐसे डी टी फिर इसमें एडिंग बल्कि एडिंग मत करो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा वो तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे भाई ये माइनस होगा माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई टी प्लस में थ्री और यहाँ पे ऐसे डी टी ठीक है अब आप यहाँ पे लिखो वन बाई टू के साथ में इसका इंटीग्रेशन लोगेरिदम अंडर मोड टी प्लस में वन माइनस में वन डिवाइड बाई टू इसका इंटीग्रेशन लोगेरिदम अंडर मोड टी प्लस में थ्री और एडिंग कर देंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वन बाई टू वन बाई टू दोनों सेम है तो वन बाई टू के साथ में लोगैरिदम माइनस की वजह से फ्रैक्शन हो जाएगा फ्रैक्शन में ऐसे यहाँ पे टी प्लस वन डिनोमिनेटर में ये प्लस है टी प्लस वन डिनोमिनेटर में टी प्लस थ्री मोड को क्लोज एडिंग इसमें सी ठीक है फाइनल आंसर एकदम फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर देंगे जो एक्स की पावर टू है तो ये वन बाई टू फिर यहाँ पे लोग है अंडर मोड ये बन गया एक्स की पावर टू प्लस वन और यहाँ पे एक्स की पावर टू प्लस थ्री इसको क्लोज कर दिया एडिंग सी कर दिया दिस इज अवर आंसर ठीक है तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ यूज करी हैं एक बार आप चेक कर लो फिर हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन नंबर एट के सेकेंड पार्ट में भी हम सब्सटीट्यूशन मैथड यूज़ करेंगे पहले जो डिनोमिनेटर में एक्स पावर थ्री दिया हुआ है इसको हम सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सब्सिट्यूट करना है सो so पुट करना है एक्स पावर थ्री जो है वो टी के इक्वल है डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वा डेरीवेटिव डी टी अपन में डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स की पावर टू मल्टीप्लाई बाय डी एक्स इक्वल टू थ्री यहाँ पे डिवाइड में आएगा और साथ में डी टी आएगा एंड यहाँ से क्वेश्चन हमारा मॉडिफाई हो जाएगा हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्स की पावर टू और डी एक्स दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे वन डिवाइड बाय थ्री ऑफ डी टी ठीक है इंटीग्रेशन सिंबल डिवाइड में वन तो सेम रहेगा इसके साथ में एक्स पावर थ्री की जगह पे यहाँ पे टी लिख देंगे फिर यहाँ पे टू सेम रहेगा एडिशन साइन एक्स पावर थ्री की जगह पे टी आ जाएगा इसके बाद ये जो वन बाई थ्री है हम आगे नोट कर देंगे इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे रहेगा ये डी टी में ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे वन प्लस टी और यहाँ पे ऐसे टू प्लस टी अब जैसे हमने पहले किया था वैसे सोल्व करेंगे तो कंसीडर है न फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे सो कंसीडर वन डिवाइडेड बाय यहाँ पे ऐसे वन प्लस टी और साथ में ऐसे वन प्लस टी सॉरी यहाँ पे टू आई ठीक है वन प्लस प्लस टी टी टू टू इक्वल में कैपिटल ए डिवाइड बाय वन प्लस टी एडिंग करेंगे इसमें कैपिटल बी डिवाइड बाय टू प्लस में टी राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेंगे ए मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा टू प्लस टी के साथ एंड बी मल्टीप्लाई हो जाएगा वन प्लस में टी के साथ और डिनिनेटर में यहाँ पे ऐसे वन प्लस टी और यहाँ पे ऐसे टू प्लस टी एंड इधर यहाँ पे वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम रहेगा वन प्लस टी मल्टीप्लाई बाई टू प्लस टी दोनों डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे सो so हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वन इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई टू प्लस टी और साथ में एडिंग इसमें बी मल्टीप्लाई बाय वी के साथ यहाँ पे ऐसे वन प्लस में टी एक बार हम यहाँ पे टी की जगह पे वैल्यू डालेंगे माइनस टू सो डेट हमारा ए वैल्यू ज़ीरो हो जाए और एक बार हम यहाँ पे t को सब्सिट्यूट कर देंगे माइनस वन सो डैट हमारे b का वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे तो रहेगा वन इक्वल टू अगर माइनस टू पुट करेंगे तो यहाँ पे तो सब्सिट्यूट होगा नहीं यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होगा सो b मल्टीप्लाई बाय वन सेम माइनस टू ये वैल्यू माइनस वन सो माइनस बी इज़ इक्वल टू वन इसका मतलब बी इज़ इक्वल टू माइनस वन ठीक है ना बी वैल्यू आ गया अपना माइनस वन माइनस वन पुट करेंगे तो वन इज़ इक्वल टू ए सेम रहेगा टू भी सेम रहेगा फिर यहाँ पे ऐसे माइनस वन टू में वन माइनस करेंगे वन मल्टीप्लाई इक्वल टू में वन इट मीन्स ए का वैल्यू आ गया वन राइट ए वैल्यू वन है बी वैल्यू माइनस वन है यहाँ पे हम सब्सिट्यूट कर देंगे तो ऐसे लिखेंगे सो वन डिवाइडेड बाय सबसे पहले ये वाला वन प्लस टी और फिर यहाँ पे ऐसे टू प्लस टी और इक्वल टू में ए की जगह पे वन डिवाइडेड बाय वन प्लस में टी देन बी वैल्यू माइनस है तो ऐसे माइनस वन डिवाइडेड बाय यहाँ पे ऐसे करके टू प्लस में टी ठीक है तो इसकी जगह पे ये आ गया एंड अब हम इन दोनों वैल्यू को इस वाली जगह पे यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे ये वन बाई थ्री आगे सेम रहेगा तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं ठीक है यहाँ पे हम नोट करेंगे भाई वन बाई थ्री सेम फिर इंटीग्रेशन ये है वन डिवाइडेड बाय सबसे पहले वन प्लस टी फिर इसमें माइनस वन डिवाइडेड बाय यहाँ पे है ये टू प्लस में टी और फिर यहाँ पे ऐसे करके डी टी तो वन बाई थ्री सेम ब्रैकेट में ही सॉल्व करते हैं इसको वन अपॉन वन प्लस टी यानी कि लोग अंडर मोड वन प्लस में टी फिर यहाँ पे माइनस ये भी लोगा अंडर मोड टू प्लस में टी मोड क्लोज इसको ऐसे क्लोज और यहाँ पे एडिंग सी ठीक है लोग एम माइनस लोग एन अप्लाई करना होगा सो लोग एम माइनस लोग एन अगर करेंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा लोग एम डिवाइड बाई एन तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट यहाँ पे लॉग अंडर मोड ये एम की वैल्यू है तो वन प्लस टी डि यहाँ पे ऐसे ये टू प्लस टी मोड क्लोज ब्रैकेट क्लोज एडिशन सी ये वन बाई थ्री इसके साथ में लॉग अंडर मोड वन प्लस टी की वैल्यू एक्स पावर थ्री डिवाइड बाई टू सेम प्लस सेम टी की पावर एक्स की पावर थ्री यहाँ पे एडिंग सी दिस इज अवर आंसर गाइज देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन जो है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आप यहाँ पे नोट कर लेंगे ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं स्पेशल टाइप कहने का मतलब है जब भी आपके एग्ज़ाम में वन डिवाइडेड बाय एक्स और इसके साथ में एक्स की पावर एन प्लस माइनस वन करके क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा हर बार ऑलवेज ये वाली जो वैल्यू रहेगी इसको टी सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन में आप देखिए एन वैल्यू फोर दी हुई है साथ में माइनस वन है तो हम इस वाली वैल्यू को टी सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सब्सीट्यूट करने के लिए पुट एक्स रेस टू पावर फोर माइनस वन की टोटल वैल्यू टी है डेरिवेटिव करेंगे एक्स पावर फोर का तो इट इज़ फोर मल्टीप्लाई एक्स पावर थ्री वन का डेरिवेटिव ज़ीरो और इक्वल टू में डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस कर लो फोर मल्टीप्लाई एक्स पावर थ्री इक्वल टू में यहाँ पे डी टी डिडेड बाई डी एक्स अब इसको यहाँ पर आप डी एक्स का वैल्यू इवेल्यूएट करो तो ऐसे लिखोगे डी एक्स इक्वल टू में वन डिवाइडेड बाई फोर मल्टीप्लाई एक्स पावर थ्री और साथ में यहाँ पे डी टी मैं काम करता हूँ गाइज ये वाला इरेस कर देता हूँ आपने नोट कर लिया होगा एंड अभी अपन क्या करेंगे अपने इस क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे ठीक है अपनी इसे सब्सट्रीटूशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन सिंबल रहेगा डी एक्स की वैल्यू आपको ये नोट करनी है तो वन डिवाइडेड बाय फोर मल्टीप्लाई एक्स पावर थ्री ठीक है और यहाँ पे ऐसे करके ये डी टी आ गया अब ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको भी हमें नोट करना है तो ये एक्स आएगा पहले तो यहाँ पर ऐसे एक्स आ गया फिर एक्स पावर फोर माइनस वन को टी लिया था तो इसी एक्स के साथ में यहाँ पर लिख देंगे इसको टी देखो आप ध्यान से देखो एक बार dx की वैल्यू पुट करी है और जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी उसको नोट हमने किया है और उसमें से x की पावर फोर माइनस वन को हमने t ले लिया ठीक है अब देखो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर फोर हो जाएगी सो इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाई फोर मल्टीप्लाई एक्स पावर फोर यहाँ और ऐसे करके dt ये जो फोर है इसको बाहर कर लेंगे ऐसे वन बाई फोर इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय ये एक्स पावर फोर है तो यहाँ पे आप वैल्यू डिटरमाइन कर लो आपने नोट किया है एक्स पावर फोर माइनस वन का टोटल वैल्यू टी है इट मींस एक्स पावर फोर का आंसर हो जाएगा टी प्लस वन तो यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे इसको टी प्लस वन इसके साथ में टी और यहाँ पे ऐसे डी टी अब ये वाली फॉर्म हमने आपको पहले भी करवाई है आप यहाँ पे इस वाले वन को रिप्लेस करोगे तो ऐसे लिखोगे वन डिवाइड बाई फोर इंटीग्रेशन सिंबल ये ऐसे बन जाएगा यहाँ पे t प्लस वन माइनस ऑफ t डिवाइडेड बाय फिर से यहाँ पे t प्लस वन ठीक है ना और मल्टीप्लाई बाय t और यहाँ पे ऐसे dt ये जो दोनों डिनोमिनेटर थे इनको हमने यहाँ पे माइनस की फॉर्म में नोट कर दिया एंड अब आप यहाँ पे सेपरेट करोगे तो इंटीग्रेशन सिंबल ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे t प्लस वन डिवाइड बाई यहाँ पे ऐसे t प्लस वन और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय t फिर माइनस t डिवाइडेड बाय ये ऐसे आएगा यहाँ पे टी प्लस वन इसके साथ में टी और यहाँ पे ऐसे डी टी फिर ये बनेगा वन डिवाइड बाई फोर इंटीग्रेशन टी प्लस वन टी प्लस वन कैंसिल तो वन अपॉन में टी माइनस टी और टी कैंसिल वन अपॉन में टी प्लस वन और यहाँ पे ऐसे करके डी टी अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है वेरी वेरी सिंपल हो चुका है आपको यहाँ पे लोगारी अप्लाई करना है तो ये वन बाई फोर आएगा विद इन ब्रैकेट ये बन जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ टी माइनस में यहाँ पे लॉग ऑफ विद इन ब्रैकेट ऐसे टी प्लस वन इसको क्लोज कर दिया इसको भी ऐसे क्लोज कर दिया यहाँ पे एडिंग सी कर दिया वन बाय फोर को सेम रखेंगे ब्रैकेट में ही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे लॉग ऑफ एम माइनस में लॉग ऑफ एन जिसका आंसर बन जाएगा लॉग ऑफ एम डिवाइड बाय एन तो यहाँ पे आ जाएगा ये लोग ऑफ एम की जगह पे टी डिवाइडेड बाय एन की जगह पे टी प्लस वन इसको क्लोज कर दिया एडिंग इसमें सी कर दिया अब यहाँ पे हम इसको बढ़िया तरीके से नोट कर देंगे ऐसे वन डिवाइड बाई फोर इसके साथ में लोग एरिदम अंडर मोड टी की वैल्यू पुट करनी है तो टी का वैल्यू कहाँ पे है देखो ये रहा टी वैल्यू ये है एक्स की पावर फोर माइनस वन तो यहाँ पे ऐसे करके एक्स की पावर फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस वन टी प्लस वन येरा एक्स पावर फोर है तो यहाँ पे ऐसे एक्स पावर फोर इसको क्लोज कर दिया एडिंग इसमें सी कर दिया दिस इज़ द आंसर ठीक है ना गाइस समझ पाए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जहाँ आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया है वो आपका सेकेंड वाले में क्लियर हो जाएगा देखिए सेकंड भी सेम उसी तरह से है इसमें आपको एन की वैल्यू टू दी हुई है तो हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को टी ले लेंगे फटाफट स्पीड से सोल्व करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सब्सिट्यूट के लिए पुट एक्स की पावर टू प्लस वन की टोटल वैल्यू टी है एक्स वन का डेरिवेटिव टू एक्स वन का डेरिवेटिव जीरो और टी का डेरीवेटिव डी टी अपन में डी एक्स ठीक है ये बन जाएगा यहाँ पे टू एक्स इक्वल टू में डी टी डिडेड बाई डी एक्स फिर यहां पे डी एक्स का वैल्यू बन जाएगा वन अपॉन में टू एक्स और इसके साथ में ऐसे डी टी फिर हम अपने इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे इंटीग्रेशन सिंबल यहां पे हमने ऐसे सेपरेट कर दिया इसको सबसे पहले गाइस यहां पे डी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे जो कि है वन डिवाइडेड बाई ये टू एक्स है तो यहां पे ऐसे करके टू एक्स लिख दिया और यहाँ पे ऐसे करके डी टी लिख दिया ठीक है फिर ये वाला x आएगा इसके साथ में x आ गया x की पावर टू प्लस वन टी हो जाएगा यहाँ पे ऐसे t आ गया फिर से इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई टू x और x हो जाएंगे x की पावर टू साथ में t और यहाँ पे ऐसे dt ये वाला टू यहाँ पे आ जाएगा वन बाई टू इंटीग्रेशन वन डिवाइड बाई x की पावर टू यहाँ से इवैल्यूएट करेंगे x की पावर टू प्लस में वन टोटल वैल्यू t के इक्वल है तो इसका मतलब x की पावर टू है टोटल t माइनस वन तो ऐसे करके यहाँ पे ये यह t माइनस वन इसके साथ में t और यहाँ पे ऐसे dt फिर यहाँ पे गाइज ये वन बाई टू सेम इंटीग्रेशन सिंबल अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको t माइनस वन माइनस टी नहीं करना ऐसे करोगे तो आंसर माइनस वन आ जाएगा आपको t में से माइनस करना है विद इन ब्रैकेट टी माइनस वन सो डैट जब आप इसको ऐसे लिखो t माइनस टी प्लस वन ये वाला माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा सो आपका आंसर प्लस वन हो जाएगा तो ये वाली नोटेशन हम यहाँ पे नोट करेंगे तो ऐसे करके यहाँ पे टी लिखा माइनस करा ब्रैकेट लगाया टी माइनस वन लगाया डिनोमिनेटर में यहाँ पे ऐसे टी माइनस वन नोट करा साथ में टी नोट करा और ऐसे डी टी आ गया सेपरेट करेंगे वन बाई टू इंटीग्रेशन सिंबल ये टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ऐसे टी माइनस वन मल्टीप्लाई टी माइनस में यहाँ पे फिर टी माइनस वन डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में ऐसे टी माइनस वन और यहाँ पे ऐसे टी और यहाँ पे ऐसे डी टी अब गाइस इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे करके वन बाई टू इंटीग्रेशन सिंबल टी टी कैंसिल सो वन अपॉन में टी माइनस वन आ गया माइनस टी माइनस वन टी माइनस वन कैंसिल तो वन डिवाइड बाई टी आ गया और यहाँ पे ऐसे डी टी अब इनका आंसर तो आपको पता ही है राइट right, लोगरिदम में कन्वर्ट हो जाएगा सो वन बाई टू और ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे ये बन गया लोगरिदम अंडर मोड टी माइनस वन फिर 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 क्या करेंगे गाइस यस माइनस लगाएंगे यहाँ पे लॉग ऑफ टी ब्रैकेट क्लोज एडिंग कर देंगे सी सेम रूल अप्लाई करेंगे एम बाय एन वाला तो वन बाई टू के साथ में ऐसे लोग एरिदम अंडर मोड सबसे पहले टी माइनस वन इसके डिनोमिनेटर में टी मोड क्लोज एडिशन सी वैल्यू पुट कर देंगे वन बाई टू लॉग सेम रहेगा टी माइनस वन का वैल्यू यहाँ पे एक्स की पावर टू है तो एक्स की पावर टू डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू एक्स की पावर टू के साथ प्लस वन है तो वो नोट कर दिया इसको क्लोज कर दिया एडिंग सी दिस इज़ अवर आंसर क्वेश्चन नंबर टेन बी गाइस एकदम वैसा ही है एंड मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि वन बाय एक्स के साथ में एक्स की पावर एन प्लस वन हो तो हम सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब्सिट्यूट करने के लिए x की पावर n प्लस में वन जो है वो t के इक्वल है देन डेरिवेटिव करेंगे तो n बेस पर आ गया और x की पावर n माइनस वन हो गया वन का डेरिवेटिव ज़ीरो यहाँ पे नोट करने की नीड नहीं है इक्वल टू में करेंगे तो ये डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स आ गया कितना सिंपल हो गया गाइस अब आप यहाँ पे नोट करेंगे डी एक्स का वैल्यू तो ऐसे आएगा ये डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ऐसे ये डी टी डिवाइडेड बाई यहाँ पे एन आएगा फिर इसके साथ में एक्स आएगा और पावर एन माइनस वन इसी के अकॉर्डिंग गाइस हम हमारे क्वेश्चन को चेंज कर देंगे ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन ठीक है डी की वैल्यू आएगी यहाँ पर ऐसे करके वन डिवाइडेड बाय एन इसके साथ में एक्स पावर एन माइनस वन ठीक है फिर यहाँ से ये वाला एक्स नोट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय एक्स इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करेंगे ये एक्स की पावर एन प्लस वन को टी लिया है तो यहाँ पे टी आ गया और ये वाला डी हमने नोट नहीं किया था तो यहाँ पर ऐसे डी लिख दिया अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो प्लस वन माइनस वन पावर कैंसिल तो एक्स पावर एन हो जाएगा तो यहाँ पे वन डिवाइड बाई एन को बाहर कर लिया इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाई इन दोनों को कंपेयर करने पे एक्स पावर एन आ गया साथ में इसके टी है और यहाँ पे ऐसे डी टी फिर दोबारा से यहाँ पे ऐसे वन बाई एन इंटीग्रेशन सिम्बल वन डिवाइड बाई एक्स पावर एन जो है यहाँ पर वैल्यू वैल्यूएट करेंगे तो एक्स पावर एन प्लस वन की टोटल वैल्यू टी है इसका मतलब जो एक्स पावर एन है ये टी माइनस वन है तो ब्रैकेट में आएगा ऐसे टी माइनस वन इसके साथ में टी और यहाँ पे ऐसे डी टी अब गाइज़ आप अगर मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हो तो मैं डैम श्योर हूँ डैम श्योर हूँ कि इसके आगे, आगे आप अपने आप कर लेंगे तो मैं आप सभी के ऊपर भरोसा करके ट्रस्ट करके आंसर इसका डायरेक्ट सब्सिट्यूट कर रहा हूँ जो हमने यहाँ पे लिखा था देखो एकदम यही है ना वन अपॉन में टी माइनस वन और टी तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट ये वाला नोट कर रहा हूँ लॉग टी माइनस वन ओपॉइन टी प्लीज़ गाइस मुझे यहाँ तक शर्मिंदा मत करना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वन हंड्रेड परसेंट अब आप क्वेश्चन नंबर टेन कर लोगे राइट right? मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ सोल्व मैंने पूरा किया है जस्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कोई भी ये डाउट नहीं बोलेगा कि सर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लॉग कैसे चला गया ये पूरा डेरिवेशन है बल्कि मैंने क्वेश्चन नंबर नाइन के भी आपको दोनों पार्ट्स करवाए हैं तो अगर आपको अभी भी ये बात समझना आए कि मैंने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है एंड आपके पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है ओके गाइस सो डोंट लेट मी डाउन आई एम राइटिंग द आंसर वन डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय लोगैरिदम अंडर मोड टी माइनस वन डिवाइडेड बाय टी मोड क्लोज एडिशन सी अब इसके अंदर वापस वैल्यू पुट कर देंगे टी का सो इट इज वन डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई लोगैरिदम अंडर मोड वैल्यू ऑफ टी माइनस वन इज जस्ट एक्स पावर एन सो इट्स एक्स पावर एन डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ टी इट इज एक्स पावर एन प्लस वन सो हेयर एक्स पावर एन प्लस वन इसको क्लोज किया एडिंग इसमें सी किया दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर टेन का सेकेंड पार्ट भी गाइज हम फटाफट से तेजी में उड़ा देंगे जैसे हमने पहले किया है थोड़ा थोड़ा सोल्व करूंगा और फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सब्सिट्यूट करना है पुट करना है जो एक्स की पावर थ्री प्लस एट है इसकी टोटल वैल्यू टी है डेरिवेटिव करेंगे तो इट इज थ्री एक्स इक्वल टू में डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स देन वैल्यू ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी डिड बाय थ्री मल्टीप्लाई एक्स की पावर टू ठीक है इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और अपने इसको इंटरचेंज कर लेंगे इंटीग्रेशन वन डिवाइड बाय सबसे पहले थ्री मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेर फिर साथ में मल्टीप्लाई होगा एक्स और जो ब्रैकेट है वो बन जाएगा यहाँ पे टी और यहाँ पे ऐसे करके डी हो जाएगा इन दोनों को कंबाइन करने पे इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइडेड बाय थ्री मल्टीप्लाई एक्स पावर थ्री के साथ में टी और यहाँ पे ऐसे डी टी वन डिवाइड बाय थ्री को बाहर करा इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाय x पावर थ्री अगर हम यहाँ से इवेल्युएट करेंगे तो नोट कर देते हैं x पावर थ्री प्लस में एट इज़ इक्वल टू में टी सो so x पावर थ्री का आंसर आ गया यहाँ पे टी माइनस एट तो यहाँ पे ऐसे नोट कर देंगे टी माइनस एट और इसके साथ में टी और यहाँ पे ऐसे dt टी एंड यहाँ पे हम दोबारा से डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे वन बाई थ्री अंडर मोड ये बन जाएगा t माइनस एट डिवाइडेड बाई टी मोड क्लोज एडिशन c ओके गाइस प्लीज 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 ऐसा मत कहना कि सर ये वैल्यू कैसे आई है मैंने पहले आपको हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करी है उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सब्सिट्यूट नहीं करा सिर्फ इसका आंसर मैंने सब्सिट्यूट करा तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं बढ़िया तरीके से यहाँ पे आप टी वैल्यू पुट कर दो सो so इट इज वन बाई थ्री ये ऐसे लोगेरिदम अंडर मोड टी माइनस एट की जगह पे एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाय टी की जगह पर यहाँ पर एक्स पावर थ्री प्लस में एट मोड को क्लोज करा एडिंग सी करा दिस इज़ द फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन भी आप गाइस एकदम क्रिस्टल क्लियर देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे ई पावर एक्स को टी ले लेंगे तो वो इस ई पावर एक्स से मैच हो जाएगा और सब्सिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें सब्सिट्यूशन यूज करेंगे सब्सिट्यूट करेंगे जो ई पावर एक्स है इसका वैल्यू टी है डेरिवेटिव करने पे यहाँ पे ई एक्स रहेगा और टी का डेरिवेटिव यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा फिर यहाँ पे ई एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स के साथ और इक्वल टू कर देंगे डी टी एंड अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगी ऐसे इंटीग्रेशन सिंबल ई एक्स और डी एक्स टोटल हो जाएगा हमारा डी टी डिनोमिनेटर में वन प्लस ई एक्स है तो ऐसे करके यहाँ पे वन प्लस टी हो जाएगा और यहाँ पे ये यह टू प्लस ई एक्स है तो ऐसे करके ये टू प्लस टी हो जाएगा ठीक है और डी टी तो मैंने पहले नोट कर दिया अब आप इसको ऐसे लिख दो ये है इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय ये जो वन प्लस टी है ये ऐसे लिख दो टी प्लस वन लिखा हुआ है और ये जो टू प्लस टी है इसको लिख दो ये ऐसे टी प्लस टू है और डी टी को इधर कर लो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे गाइस तो आपके पास ये वाला वैल्यू आएगा देखो अगर हम टी प्लस टू में टी प्लस वन को माइनस करेंगे तो t और t कैंसिल टू में वन माइनस करेंगे वन आ गया तो इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है पहले आप इस तरह से माइनस करके देख लिया करो हंड्रेड परसेंट वो आपके न्यूमरेटर से मैच हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे भाई इंटीग्रेशन सिंबल सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिखना है टी प्लस टू इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो फिर माइनस करेंगे इसमें ऐसे टी प्लस वन और इसके डिनोमिनेटर में जो अपने को दिया है वो नोट कर दो ऐसे टी प्लस वन मल्टीप्लाई बाई टी प्लस में टू और यहाँ पे ऐसे करके डी अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पे ऐसे ये टी प्लस टू डिवाइडेड बाय यहाँ पे ऐसे टी प्लस वन और इसके साथ में ऐसे यहाँ पे टी प्लस टू फिर माइनस साइन यहाँ पे ऐसे ये टी प्लस वन और डिनोमिनेटर में भी ऐसे करके टी प्लस वन और साथ में यहाँ पे ऐसे टी प्लस टू और यहाँ पे ऐसे करके ये डी टी यहाँ पे गाइस ये टी प्लस टू टी प्लस टू कैंसिल हो गया इधर ये टी प्लस वन टी प्लस वन कैंसिल हो गया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइडेड बाय वैल्यू है सिंपल सी टी प्लस वन फिर इसमें माइनस साइन वन डिवाइडेड बाय वैल्यू सिंपल सी है अपने पास टी प्लस में टू और यहाँ पे ऐसे करके डी टी आंसर सोल्व करेंगे तो लोगरिदम में चला जाएगा लॉग ऑफ अंडर मोड टी प्लस में वन फिर माइनस साइन यहाँ पे लोगरिदम अंडर मोड टी प्लस में टू इसको क्लोज करके एडिंग सी दोनों लोगरिदम का कोफिशियंट सेम है तो एम बाई एन कर देंगे सो लोगिदम अंडर मोड टी प्लस वन को डिवाइड कर देंगे हम टी प्लस टू से मोड क्लोज कर दिया एडिंग सी कर दिया एंड टी का वैल्यू वापस पुट कर देंगे सो लोगेरिदम अंडर मोड या आ गया ई पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस टू मोड क्लोज एडिशन सी देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर एलेवन भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन करा है वैसे ही सोल्व होगा आप इसमें इस डिनोमिनेटर को टी ले लो तो ये बन जाएगा यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है सबसे पहले तो डेट ई टू एक्स और इसमें एडिंग करा वन तो इक्वल है टी के और इसके बाद जब डेरिवेटिव करेंगे तो चेन रूल के अकॉर्डिंग टू नीचे आ जाएगा और ये ई टू एक्स रहेगा वन का डेरिवेटिव जीरो इक्वल टू में ये डी टी और में डी एक्स हो जाएगा फिर यहाँ पे हम डी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इट इज़ वन अपॉन में टू मल्टीप्लाई ई टू एक्स और साथ में यहाँ पे ऐसे डी टी ठीक है अब इसको हम चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन सिंबल डी एक्स की जगह पे आएगा वन अपॉन में टू और इसके साथ में ये ई टू एक्स ठीक है और साथ में ये वाला जो पूरा डिनोमिनेटर है हमने इसको टी लिया है तो ऐसे करके टी और इधर यहाँ पे ऐसे डी टी अब आप इस इक्वेशन का यूज करके ई टू एक्स का वैल्यू फाइंड कर लो तो यहाँ पे ऐसे एंड यहाँ पे लिखा हमने ई टू एक्स एडिशन वन जो है वो टी के इक्वल है यानी कि जो ई टू एक्स है वो टोटल टी माइनस वन के इक्वल है तो वन बाई टू को बाहर कर लिया इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाय इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे ऐसे करके टी माइनस वन और इसके साथ यहाँ पे ऐसे टी और यह आ गया डी टी हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत करे हैं अभी नाइन में करा टेन में करा तो इसको सिंपल लिख देंगे ये है वन डिवाइड बाई टू लॉग अंडर मोड सबसे पहले टी माइनस वन डिवाइडेड बाय टी मोड क्लोज एडिशन सी तो आ गया वन बाई टू लॉक फिर यहाँ पे अंडर मोड टी माइनस वन की जगह पे ये ई टू एक्स हो गया ऐसे करके और इसके डिनोमिनेटर में टी की वैल्यू ये है इसको नोट कर देंगे ई टू एक्स एडिशन वन मोड क्लोज एडिशन सी दिस इज अवर आंसर गाइस देखिए ट्वेल्थ थर्टीन एंड फोर्टीन जो क्वेश्चन है ये स्पेशल इंटीग्रेशन पे बेस हैं तो पहले आप यहाँ पे इनके फॉर्मूलाज नोट कर लो और आप यहाँ पे हेडिंग लिखोगे टू स्पेशल इंटीग्रेशन एंड ये वाले फॉर्मूलास अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना तो पहला स्पेशल टाइप है अगर इंटीग्रेशन करना है वन डिवाइड बाय एक्स की पावर टू माइनस ए की पावर टू का और सेकंड टाइप है अगर इंटीग्रेशन करना है वन डिवाइड बाय ए की पावर टू माइनस एक्स की पावर टू का तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे इट इज़ वन डिवाइड बाय टू ए साथ में ऐसे लोग अंडर मोड मोड डिवाइडेड बाय क्लोज सी और यहाँ पे में आएगा वन डिवाइड बाय टू ए यहाँ पे ऐसे लोग अगर ये ए पहले है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है ऐसे ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स मोड क्लोज एडिशन सी तो थर्टीन फोर्टीन और ट्वेल्व क्वेश्चन हमारे इन दो फॉर्मूलास पर बेस हैं तो आप यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड एक्स को लिख देंगे ऐसे करके एक्स होल स्क्वायर और सिक्सटीन को लिख देंगे ऐसे करके फोर होल स्क्वायर और यहाँ पे ऐसे करके डी एक्स एक्स की वैल्यू तो एक्स ही है और ए की वैल्यू फोर है तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाला फॉर्मुला यूज़ करेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे वन बाई टू ए तो वन डिवाइड बाई टू और ए का वैल्यू है फोर फिर यहाँ पे लोग अंडर मोड x में a माइनस करेंगे x में से फोर माइनस कर दिया और x में a प्लस करेंगे x में फोर प्लस कर दिया

और में लिखेंगे वन डिवाइड बाय टू के साथ में ए तो ए वैल्यू थ्री है देन यहाँ पे लोगेरिदम यहाँ पे जो ए स्क्वायर है वो आगे है तो इनको पहले ऐड करेंगे थ्री प्लस एक्स डिवाइड करेंगे इसको थ्री माइनस एक्स ठीक है इसको क्लोज करेंगे एडिंग सी टू को थ्री से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू वन बाई सिक्स साथ में लोगरिदम अंडर मोड ये ऐसे थ्री प्लस एक्स डिवाइड बाई थ्री माइनस एक्स मोड क्लोज एडिशन सी दिस इज अवर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन में भी वही करेंगे देखिए इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाय ये जो आपके पास नाइन एक्स स्क्वायर है इसको आप ऐसे लिख दो थ्री मल्टीप्लाई एक्स का होल स्क्वायर और ये जो वन है इसको ऐसे लिख दो वन का होल स्क्वायर और यहाँ पे ऐसे करके डी एक्स ए वैल्यू वन है और एक्स वैल्यू थ्री एक्स है तो लिखेंगे वन डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाई वन ए वैल्यू वन है तो वन आ गया फिर यहाँ पे लोग अंडर मोड वेरिएबल आगे है तो थ्री एक्स में वन माइनस करा डिवाइडेड बाय थ्री एक्स में वन ऐड करा मोड क्लोज एडिशन सी एंड गाइस आपको मालूम है जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं और एक्स का कोफिशियंट अदर देन वन हो तो हमें उस आंसर को उस कोफिशेंट से डिवाइड करना पड़ता है तो हम इस पूरे आंसर को थ्री से डिवाइड करेंगे तो वो वाला थ्री यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा सो so, टोटल बनेगा ये वन डिवाइड बाय सिक्स इसके साथ में लोग अंडर मोड ये ऐसे करके थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाई ऐसे करके 3x एडिशन 1 मोड क्लोज एडिशन c सो दिस इज आवर फाइनल आंसर इसी तरह देखो इसका सेकंड भी हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन सिंबल 1 डिवाइड बाय 16 को लिख देंगे ये है 4 का होल स्क्वायर माइनस 25 को लिख देंगे 5 x का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐसे dx सबसे पहले 1 डिवाइड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a ये यहां पे 4 है तो 4 आ गया फिर यहां पे logरिदम अंडर मोड इसमें ए स्क्वायर आगे है तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो फोर में फाइव एक्स एड करा डिवाइड बाय फोर में माइनस कर दिया फाइव एक्स मोड क्लोज एक्स का कोफिशियन यहाँ पे फाइव है तो यहाँ पे एक फाइव मल्टीप्लाई कर देंगे एडिंग इसमें सी कर देंगे फाइव टू जन टेन फोर जो फोर्टी सो आंसर इज वन डिवाइड बाई फोर्टी ऐसे यहाँ पे लोग फोर एडिशन फाइव एक्स डिवाइड बाय फोर माइनस फाइव एक्स इसको क्लोज करा एडिंग सी दिस इज अवर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के फर्स्ट पार्ट में गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका न्यूमरेटर डिग्री और डिनोमिनेटर डिग्री सेम है एंड डिग्री सेम होने के केस में हमें डिवाइड करना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे भाई फोर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस में नाइन और ऐसे करके इसको डिवाइड करेंगे एक्स पावर टू से तो फोर एक्स पावर टू को जब एक्स पावर टू से डिवाइड करेंगे ऐसे करके एक्स पावर टू डिवाइड बाई फोर मल्टीप्लाई एक्स पावर टू तो आंसर आएगा वन डिवाइड बाई फोर तो यहाँ पे लिख देंगे वन बाई फोर ये तो बन जाएगा यहाँ पे सिंपल सा ऐसे करके एक्स पावर टू वन बाई फोर को माइनस नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में नाइन डिवाइड बाय फोर साइन चेंज करेंगे प्लस ये माइनस ये कैंसिल यहाँ पे रिमाइंडर हो गया है हमारा नाइन बाई फोर अब हम हमारे क्वेश्चन को चेंज कर देंगे एक बार इसको इरेस कर देते हैं एंड अब हम यहाँ पर नोट करेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले हमें इसमें क्वेश्चन नोट करना है क्वेश्चन ये वन बाई फोर है तो ऐसे करके यहाँ पे वन बाई फोर फिर इसमें एडिंग करेंगे रिमाइंडर ये नाइन बाई फोर ऐसे करके यहाँ पे नाइन बाई फोर डिनोमिनेटर में जिसको हमने डिवाइड किया था यानी कि ऐसे फोर एक्स स्क्वेयर माइनस में नाइन और यहाँ पे ऐसे डी एक्स ये यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल वन बाई फोर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वन डिवाइड बाई फोर के साथ में एक्स आ जाएगा फिर एडिंग इसमें नाइन डिवाइड बाई फोर इंटीग्रेशन सिंबल वन डिवाइड बाई फोर एक्स को लिख सकते हैं हम ऐसे करके टू एक्स का होल स्क्वायर और नाइन को लिख सकते हैं ऐसे करके थ्री का स्क्वायर और, और यहाँ पे ऐसे डी एक्स वन डिवाइड बाई फोर एक्स आएगा एडिंग इसमें नाइन डिवाइड बाई फोर ठीक है ना इस यहाँ पे वैल्यू एक्स पहले है तो मल्टीप्लाई वन अपॉन में टू मल्टीप्लाई ए वैल्यू थ्री है तो थ्री आ गया मल्टीप्लाई यहाँ पे लोग अंडर मोड इन दोनों को माइनस करेंगे टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस थ्री का पे टू है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू से ध्यान से देखो यहाँ पे ये थ्री और नाइन कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे थ्री हो गया यहाँ पे लिखेंगे इसको वन डिवाइड बाई फोर एक्स फिर एडिंग वन ऊपर तो ये थ्री रहेगा थ्री इन टू वन टोटल थ्री फोर को टू से करेंगे एट एट को टू से करेंगे सिक्सटीन तो थ्री डिवाइड बाई सिक्सटीन यहाँ पे ऐसे लोग सबसे पहले टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस थ्री मोड क्लोज एडिशन सी सो दिस इज द फाइनल आंसर गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का सेकंड पार्ट हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे यहाँ पे तो वैल्यू एक्स है डिनोमिनेटर में ये एक्स पावर फोर को ऐसे लिख देंगे एक्स पावर टू और होल पावर टू माइनस करेंगे इसमें ऐसे वन पावर टू और यहाँ पे ऐसे करके डी एक्स ऐसा हमने इसलिए किया गाइस बिकॉज जब हम x की पावर टू को t करेंगे तो वो इस वाले x के साथ में डेरिवेटिव बना करके वैनिश हो जाएगा तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे भाई सब्सिट्यूट करना है तो ऐसे करके x पावर टू जो है वो t के इक्वल है ये वाले वैल्यू यहाँ पे टू एक्स और t का डेरिवेटिव dt टी अपन में डी एक्स फिर आएगा x मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इक्वल तू तू टू टू डिनिनेटर में वन बाई टू ऑफ डी टी ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा चेंज हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे वन बाई टू इंटीग्रेशन सिंबल x और dx एक्स वन बाई टू तो वन बाई टू लिख दिया यहाँ पे dt लिख दिया डिनोमिनेटर में x की पावर टू को हमने t लिया है तो ये t की पावर टू हो गया और वन को तो हमने लिखा था वन की पावर टू इसको इंटीग्रेशन करेंगे जो अभी हमने नए रूल्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग सो वन डिवाइड बाई टू ठीक है साथ में इसके अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे वन डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय ए वन बाई टू ये होता है ना तो वन बाई टू मल्टीप्लाई वन और साथ में ऐसे लोगेरिदम अंडर मोड टी इसमें वेरिएबल है वो पहले है तो माइनस करेंगे इनको टी माइनस वन डिवाइड करेंगे ऐसे टी प्लस वन इसको क्लोज करा एडिंग इसमें सी कर दिया डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बनेगा वन डिवाइड बाई फोर यहाँ पे ऐसे लोगेरिदम अंडर मोड टी का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि एक्स की पावर टू था तो ऐसा करके एक्स की पावर टू माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर टू प्लस वन इसको क्लोज किया एडिंग इसमें सी कर दिया सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर तो गाइज़ अब हम आपके साथ एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सेवन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर आपको एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन से लेकर एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इन सभी एक्सरसाइज का हैंड रिटन डाउनलोड कर सकते हैं आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज सेवन